जी लाइव आ गया जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल. आई एम ज़ैनब योर होस्ट. वेलकम टू द फिफ्थ एंड लास्ट सेशन ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप ऑफ एवरीवन कम्युनिकेट्स यू कनेक्ट. जैसा आपको पता है कि हमारा फिफ्थ और लास्ट सेशन है जिसके अंदर हम दो प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर करेंगे. इस बुक की टोटल फाइव प्रिंसिपल हैं और फाइव प्रैक्टिसेस हैं. जो हम प्रैक्टिसेस आज डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिस नंबर 4 इंस्पायर और नंबर 5 क्रेडिबिलिटी है. और इसके साथ ही मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करूंगी जो जो हमारे साथ मौजूद हैं लाइव भी और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सज्जाद साहब, खलीक साहब, सफिया, मैमूना और ऑनरेबल हमारे टीचर, मेरे मेंटर, हम सब के डॉक्टर फजल महमूद सर जो जो और सबसे पहले जी. और मैं इसके साथ ही आप लोगों से बस एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपने जो पिछले 4 सेशन में क्या चीज जो है वो सीखी है, अगर आप वो बताना चाहें प्लीज. जी मैमूना से स्टार्ट करते हैं. जी मैमूना. जी मैंने जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो देखा कि वो किस तरह से लोग इफेक्टिव हैं. जिस तरह से कपड़े लेने जब भी हम जाते हैं एक जगह पे तो वो दुकानदार का जो इखलाक है वो इतना अच्छा है कि वो ये उसका कहने का अंदाज इस तरह से होता रहा है कि आपको वो ये समझ आता है कि ये बंदा आपके लिए आपकी भलाई के लिए कह रहा है, इसका अपना कोई मफाद नहीं है. हालांकि वो शख्स हमें कपड़े बेच रहा है, अल्टीमेटली उसकी सेल होनी है, लेकिन वो हर कस्टमर के साथ इस तरह से अपना कनेक्शन बनाता है कि वो ये कहता है कि ये जो कपड़ा आपका है इस पे ये चीज सूट नहीं करेगी, ये करेगी, और उसका अंदाज पूरी मार्केट में उसको जुदा कर देता है. ये तो एक एग्जांपल हुई. दूसरा जो हमने ये देखा कि जो लोग दूसरों को पहले अपने आप से रखते हैं और उसको ह्यूमर लेके आते हैं, इसमें जो है वो मेरे बहुत ही करीबी जानने वाले एक शख्स हैं, उनकी मुझे बहुत ज़्यादा मुझे उनकी पर्सनालिटी को एनालाइज करने का मौका मिला कि मैं उनको अच्छे तरीके से जान पाई कि वो ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं और वो जो है सेल्फलेस एक अप्रोच है जिसकी वजह से जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से बन पाता है. और उनमें एक ख़ास एक जो खूबी मुझे नजर आई कि वो जिस शख्स से बात कर रहे होते हैं वो उसी के लेवल की, उसी की इंटेलेक्ट की बात करते हैं. तो ये चीजें जो हैं ये क्योंकि मेरी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद थी लेकिन मैं शायद उसको कनेक्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन इस इन सेशंस की बदौलत मुझे ये ज्यादा मौका मिला कि मैं अपनी एनवायरनमेंट में देख सकूं और जो है वो अच्छे तरीके से इन चीजों को अडेप्ट भी करूं और ये मुझे दूसरों को जानने के लिए अच्छा मौका भी इन्होंने दिया. जी शुक्रिया. जी बहुत शुक्रिया मैमुना. सज्जाद आप बताना चाहेंगे कि आपने क्या सीखा और किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया. जी 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 अब बेसिकली ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है और अगर आपने सक्सेसफुल हो रहना है, सक्सेसफुल होना है, कामयाबी हासिल करनी है तो आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी और कनेक्ट करना पड़ेगा. कम्युनिकेट तो सारे लोग करते हैं लेकिन कनेक्ट बहुत थोड़े लोग करते हैं और वो कामयाब लोग होते हैं जो कनेक्ट करते हैं. और इसमें स्पीकिंग जो है वो शेयरिंग है और लिसनिंग केयरिंग है. तो ये मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं और यही है कि आपको दूसरे के इंटरेस्ट को देख के काम करना है और उस दूसरों को लिसन करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर आप और अपने आप को तरजीह नहीं देनी बल्कि दूसरों को तरजीह देनी. बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हैं. जी खलीक साहब आप कुछ बताना चाहेंगे. माइक म्यूट.
माइक म्यूट है सर। नहीं, इनकी पिक्चर भी म्यूट है। सफी आप बताएं जब तक ये थोड़ा सा इनके सिग्नल ठीक हो जाए। थैंक यू जैनब। अस्सलाम वालेकुम सबको। जी, इस सेशन से मैंने बहुत ही सारे पॉइंट्स ऐसे सीखे हैं, क्योंकि मैं बीइंग अ टीचर बच्चों से कनेक्ट भी रही और कम्युनिकेशन भी करना चाहती थी कि कनेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आप एक स्माइल के थ्रू करें, आप एक मुस्कुराहट के जरिए करें, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे अच्छा लगा और जो मैंने सीखा। और नंबर टू ये है कि अगर आप किसी ऐसे कल्चर में हैं या जहाँ पे आप ना जबान समझते हैं ना कुछ भी समझ पाते हैं, तो वहाँ आपने कैसे कनेक्ट करना है, या एटलीस्ट आप उन जैसे ड्रेस ही पहन लें या इस तरह से कनेक्ट करें। और नंबर थर्ड पॉइंट इज के दूसरों को अहमियत दें, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको अहमियत दें। थैंक यू। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कॉमन ग्राउंड की बात करिए कि आपने जो कहा कि एक जैसे ड्रेस पहनते। जी खलीक साहब, उनको आवाज नहीं आ रही। खलीक साहब जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, मैंने इस सेशन से जो मास्टरमाइंड हमारा ग्रुप जो आपने समझाया पढ़ाया सर पास सामने पढ़ाया, उससे मैंने ये सीखा कि किस तरीके से कम्युनिकेट करके और कनेक्ट करना किया जाता है लोगों से। तो कम्युनिकेशन बहुत एक ऐसा एक जरिया है जिसमें आप अपने आप को, सबसे पहले तो आपको अपने आप को सेल्फलेस करना पड़ता है, सेल्फिश होना नहीं पड़ता। तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से कि आप एक मुस्कुराहट के जरिए के ये या अपनी आंखों के जरिए ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी को, या किसी कोई लफ्ज से, किसी बात से, किसी ऐसे लफ्ज से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वो ऐसा कॉमन ग्राउंड के ऊपर लफ्ज हो जो आप इस्तेमाल करके और अपने आप को दूसरे किसी के से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ये मास्टरमाइंड सेशन रहा और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने अपने एनवायरनमेंट में भी ये बात देखी कि वो बहुत सी चीजें जो हम भूल चुके थे, मैं खुद भूल चुका था, वो वापस से आपने जो पढ़ाया उससे मैंने सीखा। थैंक यू वेरी मच। जी मौजम, जी मौजम आप कुछ बताएंगे कि आपने जो है वो पूरे सेशंस में से क्या चीज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट की और क्या चीज सीखी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है और एवरीवन कम्युनिकेट यू कनेक्ट के जो सेशन से मैंने ये सीखा कि मेरा मोस्ट प्रोबेबली सारा दिन पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड सारा काम होता है और मैं एक एक पॉइंट इंप्लीमेंट कर रहा होता हूँ। जैसे आज ही मेरी जगह मीटिंग हो रही थी, स्कूल के टीचर थे तो वो बैठे हुए मेरे साथ, तो जैसे कि सेशन से सीखा कि उसके शर्ट के कलर की तरीफ करके थोड़ा सा उसको फेस दे के, फिर जब बोला कि जिससे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, उनने थोड़ा सा फेस दे देना कि मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं बड़ा बेताब था आज की मीटिंग के लिए और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपसे मेरी बात हो रही है। ये चीज़ें डे बेस पे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और काफ़ी मुझे इससे फायदा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मेरा जो मेरा मैं समझता था कि मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो कलीग है, इनके साथ थोड़ा गैप था, तो ये काफ़ी जो इस सेशन पे यहाँ डॉक्टर साहब से जो कुछ चीज़ें सीखी हैं कि लीडरशिप के हवाले से भी, एवरीवन कम्युनिकेट के जो कुछ टिप्स के हवाले से मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और मेरे कुलीग्स और जो मेरे एम्प्लॉयज हैं आउट ऑफ वे जाके काम कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह। जी, थैंक यू सो मच मौजम। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। जी आप बताएं कि जितने भी सेशन हम लोगों के जो 4 सेशन हुए हैं मास्टरमाइंड के, उससे आपने क्या चीज़ सीखी और क्या चीज़ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट की। जी फारूक साहब। फारूक साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी, म्यूट है। मेरे ख्याल में नहीं। जी म्यूट है, उनको आवाज़ नहीं आ रही। म्यूट है वो, मेरे ख्याल में नहीं है। चलें अभी चल तो। जी, अब मौजम हो गए हैं, अब सबका हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे। जितने हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं अनम्यूट हो गए इनके। जी फारूक साहब आवाज आ रही है आपको, प्लीज आप बताएं वरना मैं स्टार्ट करूँ, फिर आपका वेट कर रही हूँ। हेलो, अभी जी म्यूट। जी अच्छा ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं।
जितने हमारे पिछले 5 प्रिंसिपल हैं और हमारी 3 प्रैक्टिसेस हैं उसको हम रिवाइज करेंगे और उस पर पूरा ओवरव्यू देंगे. तो ओवरव्यू जो है डॉक्टर फजल साहब देंगे. जी सर, ओवर टू यू. थैंक यू जैनब. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग. ये जिस किताब का अभी हम मुताला कर रहे हैं मिलके और उस पर मास्टर माइंडिंग हो रही है, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कह दूं कि अगर डेल कार्नेगी की 1936 की जो किताब थी मीठे बोल में जादू है जिसे उर्दू में कहते हैं या हाउ टू विन द फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बाद अगर कोई मारकतुल आरा किताब लिखी गई है तो वो ये किताब है. अब मसला ये है कि आपने इसे किस तरह से समझा, किस तरह से सीखा. जॉन मैक्सवेल ने अपने 50 साल के एक्सपीरियंस को उसमें निचोड़ा है और उसके बाद हमने कोशिश की थी कि आपस में मिलकर हम इसे समझें. इसमें उसने 5 प्रिंसिपल्स और 5 प्रैक्टिसेस का जिक्र किया है जिसमें से हम 5 प्रिंसिपल्स और 3 प्रैक्टिसेस के बारे में तफसीली बात कर चुके हैं गुज़िश्ता 4 सेशंस में और आज हमारा आखिरी सेशन है जिसमें हम आखिरी 2 प्रैक्टिसेस को लेकर आगे बढ़ेंगे. तो अब उसका जो पहला प्रिंसिपल था, ये देखिए 5 प्रिंसिपल अगर समझ में आ जाएंगे तो खासी हद तक कम्युनिकेशन में आपको आसानी हो जाएगी. मसलन पहला ये था कि कनेक्टिंग क्या क्यों ज़रूरी है. कम्युनिकेशन तो सब कर रहे हैं, कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि कनेक्टिंग से होता क्या है कि आप खुद जिन हालात में भी हों आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता, आपका असर रसूख बढ़ जाता है अगर आप कनेक्ट कर गए. वरना कम्युनिकेशन सिर्फ काफ़ी नहीं होती, उससे आपका कोई असर रसूख और जब अब तक आपका असर रसूख किसी पर कायम नहीं होगा आप उन्हें लीड नहीं कर सकते, आप उन्हें गाइड नहीं कर सकते, आप उन्हें रास्ता नहीं दिखा सकते क्योंकि लोग रास्ता उसी से देखते हैं जिससे वो मुतासर हैं. तो मुतासर करने के लिए भी आपको अपनी गुफ्तगू से उनसे कनेक्ट होना ज़रूरी है. फिर दूसरा जो प्रिंसिपल इसमें बताया गया था वो ये था कि कनेक्टिंग का पूरा दारोमदार सामने वाले पर होता है, यानी आप उस पर फोकस करें ना कि अपने आप पर. आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अपने लिए ना करें बल्कि सामने वाले के लिए करें ताकि उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए जब आप बातचीत करेंगे तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि वो आपसे कनेक्ट होगा, वो महसूस कर लेगा इस बात को. ठीक है, तीसरा जो प्रिंसिपल ये था कि कनेक्टिंग गोज बियॉन्ड वर्ड्स, यानी कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ बोलना नहीं होता. जैसे अभी सज्जाद ने भी कहा बोलना काफ़ी नहीं होता और ये सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं होता. लफ्ज़ों का जो हिस्सा है किसी भी कम्युनिकेशन में वो तो सिर्फ 8% है, बाकी आपको पता है कि 37% आपकी टोनैलिटी होती है यानी आपकी टोन ऑफ वॉइस होती है यानी किस अंदाज से आप बोल रहे हैं और बाकी 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है क्योंकि लोग देखते ज़्यादा हैं सुनते ज़रा कम हैं. और लफ्ज़ों पे गौर करना तो बहुत आगे की बात है, यानी जब सुन ही नहीं रहे हो तो फिर लफ्ज़ तो फिर बहुत बारीकी में जब तक ना जाएं तो आप गौर नहीं करते. तो इसलिए आपको बियॉन्ड वर्ड्स जाना है, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन से एक मोहब्बत का भी इजहार हो, एक कनेक्शन का इजहार हो. अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हैं और मुझसे आपका रवैया या मुझसे आपका अंदाज तखातुब जिसे कहते हैं गुफ्तगू का तरीका जो है वो इस अंदाज से है ही नहीं कि मैं उसमें सिंपैथी उसमें मोहब्बत फील करूं तो मैं कनेक्ट नहीं हो सकता आपसे. और दूसरा कनेक्टिंग के लिए हमेशा एक तवानाई चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्स होती है. ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम और आप गुफ्तगू कर रहे हों और मैं बड़ा एनर्जेटिक हूं और आप मुंह लटकाए बैठे हों तो हम कनेक्ट नहीं करेंगे. हमें इक्वली एनर्जेटिक होते तो फिर हमारी वाइब्रेशंस और हमारी फ्रीक्वेंसीज आपस में मिल जाती हैं और जिससे हमारे दरमियान एक ज़्यादा मजबूत रबता कायम हो जाता है. और आखिरी उसकी जो प्रिंसिपल था वो ये था कि ये एक स्किल है, ये कोई कुदरती टैलेंट नहीं है. कोई भी शख्स पैदाइशी कम्युनिकेटर नहीं होता, वो पैदा होने के कोई कुछ बच्चे 8 महीने बाद तो कुछ 12 महीने बाद तो कुछ 2 साल तक बोलना ही नहीं सीखते, कुछ बच्चे चलना ही नहीं सीखते, तो वो कम्युनिकेटर कैसे हो सकते हैं पैदाइशी, सोचें आप. तो ये एक स्किल है. कुछ लोग एनवायरनमेंट अच्छा मिलने की वजह से जल्दी अच्छे बन जाते हैं कम्युनिकेटर, कुछ को थोड़ी देर लगती है लेकिन है फिर भी ये स्किल. यू हैव टू लर्न इट, आपको सीखनी पड़ती है, आप नेचुरल टैलेंट के तौर पर उसे कभी ना समझे. तो इस पूरे मास्टरमाइंड के
इस सफर में हमने कोशिश की थी कि इन प्रिंसिपल्स को आप तक पहुंचाएं ताकि आप समझ सकें कि आप, और फिर आप अपना एहतसाब खुद करेंगे। देखें इस वक्त आप अपने मुनसिफ खुद होंगे, अपने मोहतसब भी खुद होंगे कि मैं कहाँ पर लैक कर रहा हूँ इन चीज़ों में। बहुत से हमारे दोस्त होते हैं यानी वो बहुत अच्छे बोलने वाले हैं लेकिन वो मैं पे लगे हुए होते हैं, दूसरे पे गौर ही नहीं कर रहे होते। वो बहुत अच्छे बोलते भी हैं, उनकी आवाज़ भी बड़ी भारी होती है, वजनी, टोन भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो महवर होते हैं वो खुद होते हैं, अपनी हर कहानी के हीरो खुद बनते हैं वो। तो लोग फिर सोचते हैं कि यार इसकी तो आदत है अपनी यानी तारीफ करने की, तो फिर वो लोग गौर नहीं करते, कनेक्ट नहीं करते। इसी तरह कुछ लोग मतलब बड़े धीमे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो मसला है कि आप पर फोकस नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की कहानियां सुना रहे हैं। इस वक्त सबको प्रॉब्लम हुआ हुआ है कि ट्रंप अमेरिका का सदर बनेगा या जो बाइडन, और लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, लोग चाहते हैं आप मेरे बारे में बात कीजिए, ठीक है। तो वो हम दुनिया भर के मसाइल पे बात कर रहे होते हैं लेकिन हम उन पर नहीं कर रहे होते, तो वो लोग डिसकनेक्ट हो जाते हैं आपसे, कहते हैं यार मुझे क्या लेना है करके वो कट जाते हैं। तो ये 5 प्रिंसिपल अगर आप गौर कीजिए और अपना अपना बैठ के जब फुर्सत मिले, चंद लम्हे मिले, अपना एहतसाब खुद कीजिए। आप सोचिए कि मैं कहाँ पर लैक हो रहा हूँ इस चीज़ में, किस चीज़ को मैं लैक कर रहा हूँ इन 5 प्रिंसिपल्स में, ताकि फिर उस पर आप अपना स्किल को बेहतर कर सकें, क्योंकि ये स्किल है, मैंने बताया ना, ये नेचुरल टैलेंट नहीं है। और बिलखसूस जितना अच्छे आप कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं उतनी ही मेहनत इसमें ज़्यादा करनी होती है, ये याद रखिएगा। ये इट्स नॉट ए फ्री लंच, कहीं ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान सी स्किल है, ये बहुत ठीक ठाक मेहनत तलब स्किल होती है, लेकिन ऐसी नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई नहीं सीख सकता, आप भी सीख सकते हैं। फिर हमने बाद में चले वहाँ से, तो हमने प्रिंसिपल्स पे तो बात करने के बाद हमने सोचा कि प्रैक्टिसेस कैसे की जाएंगे। तो पहली प्रैक्टिस क्या थी हमने जिस पर बहस की थी और बात की थी और बड़े तफसीली बात की थी कि कनेक्टर जो कम्युनिकेशन में कनेक्टर जो होता है वो किस चीज़ पे कनेक्ट करते हैं, ये प्रैक्टिसेस हमने सीखनी थी। तो पहली प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि कॉमन ग्राउंड ढूंढना होता है, ठीक है, कि भाई मुझ में और आप में क्या चीज़ ऐसी मुश्तरक है जिससे कि मैं आपसे कनेक्ट जल्दी हो जाऊँ। अगर मसलन कभी आपका ओरिजिन है मुल्क का, आपकी ज़बान हो सकती है, आपका कल्चर हो सकता है, आपका शोभा हो सकता है, आपका पेशा हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई कॉमनलिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। आप एंटरप्रेन्योर हैं, दूसरा भी एंटरप्रेन्योर है, इजी है। अगर आप डॉक्टर हैं, दूसरा भी डॉक्टर है, ज़रा आसान हो जाता है। अगर आप पाकिस्तानी हैं, दूसरा पाकिस्तानी है, तो आपको कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। तो इस तरह से कोई भी कॉमन ग्राउंड अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपको कनेक्ट करने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि वो कॉमन ग्राउंड ढूंढा जाए और फाइंड आउट कर लें। आप जहाँ भी आप जिससे भी मिलें कोशिश ही करें। आप मसलन जैसे अगर आप एक नए जगह पे जा रहे हैं एक नेटवर्किंग के इवेंट में, अब बड़ा मसला होता है वहाँ अजनबी लोग होते हैं कि यार हम उनसे क्या बात करें, जी मेरा नाम फाज है, आप मेरा नाम रिजवान है, बात ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे हमने कॉमन ग्राउंड ढूंढना, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो मैं फ़ौरन दूसरा सवाल करूँगा कि रिजवान साहब आप यहीं कहीं रहते हैं, वो कहेंगे हाँ यहीं रहता हूँ, अच्छा फैमिली भी है आपके साथ। अब यहाँ देखें उन्होंने कहा अच्छा माशाल्लाह कितने बच्चे हैं। देखिए अब हम कॉमन ग्राउंड है क्योंकि मैं भी फैमिली वाला हूँ, आपकी भी फैमिली, हम में एक कॉमन, इवन हम दोनों नहीं जानते, हम दोनों दो मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कॉमन ग्राउंड इस तरह से ढूंढना शुरू कर दिए चीज़ों में। इसी तरह ऑक्यूपेशन में आ जाते हैं, फिर हमारी हॉबीज हो सकता है एक जैसी हों कि जी मैं भी गोल्फिंग करता हूँ, आप भी गोल्फिंग करते हैं, गिर वेरी गुड, आप भी क्रिकेट खेलते हैं, जी मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, कहीं ना कहीं आप वो ढूंढते जाते हैं, ठीक है। तो वो कॉमन ग्राउंड पाई। फिर दूसरी जो चीज़ है ये बहुत अहम चीज़ है, देखें कम्युनिकेटर अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं और कामयाब, और ख़ास तौर पे वो दोस्त जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं ऑन एयर भी, और जो दोस्त मेरे साथ मास्टरमाइंड में, अगर आप सेल्स में हैं, गौर से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर आप सेल्स में हैं और अगर आप मार्केटिंग में हैं और आपको ये फ़न नहीं आता, आप समझ लें आप कामयाब नहीं हो सकते। खातिर ख्वाह छोटी मोटी कामयाबी मिल जाएंगी कोई दोस्ती की वजह से, सिफारिश की वजह से, लेकिन एक अच्छा कनेक्टर ही, एक अच्छा कम्युनिकेटर ही एक अच्छा मार्केटर हो सकता है, एक अच्छा सेल्स पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये उसकी बुनियादी चीज़ है। और ये किताब बुनियादी तौर पे, मैं इस किताब को हमेशा रिकमेंड करता हूँ मार्केटिंग के लोगों को कि जब आप MBA मार्केटिंग में कर रहे हो तो ये किताब ज़रूर पढ़िए आप, ताकि आपकी ये सारा जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने में आसानी हो जाए और आप बेहतर मार्केटर बन जाए अपने ही क्लास फेलोज के दरमियान।
तो ये वो किताब है जिसे मैं तो समझता हूँ करिकुलम में शामिल करना चाहिए उनको, मार्केटिंग और सेल्स की। सेल्स का तो चूंकि कोई कोर्स ही नहीं होता, यानी बाकायदा के स्कूल्स में या कॉलेजेस में, इसीलिए हम उसे प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेनर्स हैं या इस तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं सेल्स की। और ये तो ये एक समझे कि हमारे करिकुलम की एक शर्त होनी चाहिए इस किताब को, क्योंकि इसमें वो प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स आप जब समझ लेते हैं तो आपको सेल्स और मार्केटिंग में बहुत आसानी होती है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको जो मुश्किल चीज़ें हैं ना उसको सिंपल बना दीजिए, ठीक है। मसला यह है कि कम्युनिकेटर का ही ये कमाल होता है कि वो मुश्किल से मुश्किल मौजू पे इतनी आम फहम जबान में बात करता है कि लोगों की समझ आ जाए, इसीलिए वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है आप उसे कॉम्प्लेक्स बना के बेचेंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे, लोग कहेंगे ऐसे चलें जी बहुत अच्छा किया आपने, माशाल्लाह मुझे बहुत सारी मालूमात फराहम की, ज़रा घर जाने दीजिए ताकि मैं इस पर मज़ीद रिसर्च करूँ। यानी आपने आया हुआ कस्टमर खो दिया, अब वो रिसर्च करने बैठ जाएगा तो आपने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। तो इसको सिंपल बनाएं, चीज़ों को सिंपल, आम फहम और आम जबान में कोशिश करें कम्युनिकेट करने की। फिर एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप सिखा रहे हैं किसी को, उसमें एक ऐसी चीज़ हो जो वो याद रह जाए उसे कि यार क्या खूबसूरत मेरी मुलाकात थी, चाहे मैंने बिजनेस आपसे किया हो या ना किया हो, लेकिन कम अज़ कम इस चीज़ को मैं याद रखूं कि मेरी जो मुलाकात हुई थी अली रज़ा से या मौज़म से या फारूक भाई से वो बड़ी यादगार थी। यानी मुझे कुछ याद रह जाए, मैं कनेक्ट हो गया ना फिर आपसे। तो आप ऐसा है कि कोई एक एक्सपीरियंस उसमें क्रिएट कर दें, मतलब कोई ऐसी अच्छी चीज़ कर दें उस दौरान गुफ्तगू और दौरान इफ़ यू आर नेगोशिएटिंग और यू आर सेलिंग और यू आर मार्केटिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू हैव टू कनेक्ट एंड मेक इट एन एक्सपीरियंस फॉर हिम और हर, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम पहुँचे थे। अब अगले जो दो प्रैक्टिसेस हैं जिस पर आज हम बात करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत सादा हैं, यकीन करें मुश्किल भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ज़ैनब आज हमें फिर ये दो प्रैक्टिसेस हमें थोड़ा बताएं, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल जवाब जो भी हों उस पर बात करूँ। ओवर टू यू ज़ैनब। जी सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि सर ने कहा हम इंस्पायर और दूसरी क्रिएटिविटी की आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं प्रैक्टिस इंस्पायर को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि जब हम किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं या आपको कोई पसंद हो, कोई एक्टर या कोई बहुत अच्छी स्पीच करता हो, वो हमेशा इंस्पायर, कोई एक्टर्स होते हैं लोगों को इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। इंस्पायरिंग में अगर हम जाएँ तो आप अगर अपने जहन पर जोर डालें, दो या तीन ऐसे लोग सोचें जो आपके पसंदीदा हों, ऑब्वियसली उन्होंने आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया होगा, वो अच्छे कम्युनिकेटर भी होंगे और इंस्पिरेशन भी उन्होंने आपको दी होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इंस्पायर किए, व्हाट इज इंस्पायर, मतलब ये क्या चीज़ है इंस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, तो इसकी इक्वेशन जो है जो तीन चीज़ों को है कि अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, कनेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप कैसे लोगों को जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं, आपने क्या उनके बारे में, आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपको तीन चीज़ों का मिक्सचर आपने होना कि भाई आप स्टेज पे खड़े हैं, आपने पहले जो पहली जो चीज़ की है व्हाट दे नो, लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं और क्या अंडरस्टैंड करें, व्हाट दे सी, क्या वो देख रहे हैं और व्हाट दे फील, इसकी मैं डिटेल थोड़ी इसका कॉम्बिनेशन है इंस्पिरेशन, ठीक है। अब इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करना चाहूँगी जी। नंबर वन इज व्हाट पीपल नीड टू नो, जो इसका पहला आंसर है इंस्पिरेशन की जो इक्वेशन मैंने आपको बताई, पीपल नीड टू नो दैट यू अंडरस्टैंड देम एंड आर फोकस्ड ऑन देम। पीपल जो है वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनको समझें और फोकस करें। आप अपना बचपन में जाएं, ऐसे टीचर जब वो टीचर लेक्चर दे रहा हो जा रहा है, टीचर भी इंस्पायर करता है। अगर आपको लग रहा है कि टीचर आप पे फोकस ही नहीं कर रहा और आपको समझ ही नहीं रहा, यानी आपको आप पे फोकस भी नहीं है और उसे पता ही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका है, तो आपको टीचर अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम जब डॉक्टर से बात करें वो उसका फुल फोकस भी हम पे और हमारी बीमारी को भी अंडरस्टैंड करें। अगर ऐसा ना हो तो आप दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि आप ये चाहते हैं कि वो आपको अंडरस्टैंड भी करें और फोकस भी करें, ठीक है। और नेक्स्ट में है
और इसके बाद ये कि अगर आप किसी से बेहतर जो है वो इंस्पायर करना चाहते हैं तो आपको उसको अंडरस्टैंड भी करना और फोकस भी करना है. नंबर टू जो उसका कॉम्पोनेंट है, व्हाट आर दे थिंकिंग, फाइंड आउट एज मच एज यू कैन. अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप कैसे जानेंगे उनके बारे में, ऑब्वियसली जैसे आप स्टेज पर आने पर तो आप उनकी जिस जहाँ जिस कंपनी में वो काम करते हैं, जिस कल्चर में काम करते हैं, जिस वैल्यूज में काम करते हैं, उनके बारे में पहले नो हाउ ले लें ताकि आपको पता हो कि थिंकिंग. इसकी एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे आप कोई नया किसी ने एमबीए किया है और वो इंटरव्यू देने जा रहा है, ठीक है. अब जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो देने वाला हमेशा ये सोचता है, जो कैंडिडेट होता है, कि ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में या क्या सवाल करने, कैसे वो जानेगा. उसे इंटरव्यू में जाने से पहले उस कंपनी के बारे में, उसके लोगों के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए. तभी वो जब वह जाएगा फेस टू फेस में तो उसको पहले ही समझ आ जाएगा ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सवाल कर सकते हैं. जब उसको पूरा कल्चर पता होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लोगों के वैल्यूज पते होंगे, उनका प्रोडक्ट पता होगा. नेक्स्ट इज व्हाट आर दे सेइंग. अच्छा, ये जो इम्प्लीमेंट होता है, ये बेसिकली अगर हम स्टेज की थोड़ी सी एग्जाम्पल लें या स्कूल के टीचर की एग्जाम्पल लें, गुड लीडर्स आर गुड लिसनर्स, फॉलो द पैटर्न ऑफ लिसन लर्न एंड द लीड. इसकी एग्जाम्पल आपसे मैं दूंगी, टीचर है, ठीक है, अब वो इंस्पायर करना चाह रही है स्टूडेंट्स, तो पहले उसको स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए, उनकी पार्टिसिपेशन करानी चाहिए, चैप्टर के बारे में उनको उनसे खड़े होकर बार बार क्वेश्चंस करना चाहिए, गुड लिस्टर बनना चाहिए. फिर जो है जब वो लिस्टर बनेगी, उनकी उनके जो भी थिंकिंग उसको जज करेगी, तभी जो है वो लीड करेगी और फिर वो इंस्पायर करेगी. नेक्स्ट इज कि ये इसमें ये बात कही गई कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये एबिलिटी है लिसन वेल. अगर आप लिसन वेल कर सकते हैं ऑब्वियसली तो आप इंस्पायर करें. इसमें द मोस्ट एक इसमें सेंगे द मोस्ट कॉल्ड अप प्री रिक्विजिट ऑफ अ फ्रेंड इज एन एक्सेसिबल एयर. यानी कि आपका जो अच्छा फ्रेंड है वो आपके उसके पास एक्सेसिबल एयर होना चाहिए, यानी वो आपको अच्छी तरीके से सुनने की एबिलिटी, तभी वो एबिलिटी होगी, तभी वो एक अच्छा फ्रेंड बन सकेगा. नेक्स्ट है कि अगर आप इंस्पायर करना है तो आपने ये भी ख्याल करना है कि व्हाट आर दे डूइंग. स्टूडेंट में भी कर सकते हैं और अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, एम्प्लॉयज में आते हैं, लुक एट द एक्टिविटीज पीपल आर एंगेज इन, ऑब्जर्व देयर बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड एंड एनर्जी. ठीक है, अब जैसे आप मैनेजर हैं तो आपकी उनकी एक्टिविटीज पे भी जो आपके स्टाफ है उस पर नजर रखनी है कि उनकी एक्टिविटीज क्या है. आप ऑब्जर्व करें उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो फिर आप उसको सही से रिस्पॉन्स कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज, और फिर आप उनको इंस्पायर करेंगे. फिर वही क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नीड टू डू टू बी एबल टू फोकस ऑन व्हाट पीपल आर डूइंग. आपने क्या फोकस करना, पीपल क्या कर रहे हैं. इसकी एग्जाम्पल जैसे कोई अगर ईद की है पार्टी, जो लोग हैं वो अच्छा ड्रेसअप होके आए हैं, ईद मिल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो आप भी ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड जो है वो रिएक्शन देंगे ना कि क्या कर रहे हैं पीपल, क्या चल रहा है, तो तभी आप लोगों को इंस्पायर करेंगे. या कोई पार्टी प्लान कर लेंगे, चलें भी इधर पार्टी प्लान कर लेते हैं एग्जाम्पल से ओकेजन की दूं में, तो फिर आप इंस्पायर कर सकते हैं कि आप लोगों की एक्टिविटीज पे भी नजर. अच्छा, नेक्स्ट, अब इसमें क्वालिटीज जो है वो एक्सप्लेन की गई है कि किस तरीके से जो है वो आप अच्छे इंस्पायर करने वाले शख्स बन सकते हैं. अगर आप बताओ आप में पीपल जो है वो लोग जो है जिनको आप इंस्पायर हो, क्या क्वालिटीज देखना चाह रहे हैं, देखना चाहते हैं. पीपल नीड टू नो दैट यू हैव हाई एक्सपेक्टेशन. यानी पीपल आपसे एज अ लीडर, एज अ गुड कनेक्टर, हाई एक्सपेक्टेशन जो है वो करते हैं एक्सपेक्ट, और आपने उस पर पूरा उतरना है जो भी एक्सपेक्टेशन. अच्छा, उससे एक्सपेक्टेशन कैसे आप पूरी करेंगे, ऑब्वियसली जब आप उनमें घुलेंगे, मुझे मैंने से बताया, उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन आपको समझ आएगी, आप उस पर पूरे उतरेंगे और वैसे लोग आपसे इंस्पायर होंगे, जैसे मैंने ईद मिलन पार्टी की जो है वो एग्जांपल दी. अच्छा, नेक्स्ट है, इफ वी ट्रीट पीपल एज हु दे कैन बिकम, दे विल बी इंस्पायर टू राइज टू द लेवल ऑफ अवर एक्सपेक्टेशन. अच्छा, आप ट्रीट पीपल कैसा करें, उनको कैन बिकम, दे विल इंस्पायर टू राइज, आप उनको ऐसा ट्रीट करें कि जैसा वो बनना चाहते हैं, आप उनको पहले ही बनने से पहले ट्रीट करें ऑब्वियसली, तो क्या होगा, आपकी भी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और आपको वैसा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट है, व्हाट पीपल नीड टू सी इंस्पायर. पीपल क्या देखना चाहते हैं, पीपल आप में देखना क्या चाहते हैं, अगर आप उनको इंस्पायर करना चाहते हैं.
पीपल नीड टू सी योर कन्विक्शन, वो आपकी कन्विक्शन देखना चाहते हैं एज अ गुड कनेक्टर, एज अ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी. अच्छा, पीपल ये चाहते हैं कि आप जब उनसे बात करें तो आपकी जो बात है वो अंदर से डीप थिंकिंग से आए, इनर फीलिंग उनको आए, और आपकी क्रेडिबिलिटी वो देखना चाहते हैं कि आप कितने क्रेडिबल हैं, कितना आप वो ट्रस्ट कर सकते हैं. ये सब चीज़ें जो है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, एक और जो स्टडी है कि जब आप किसी से फर्स्ट कम्युनिकेट करते हैं तो पहले आपकी कम्युनिकेशन जो है वो काउंट होती है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स आपकी कम्युनिकेशन पीछे हट जाती है. आप कितनी ट्रस्ट वर्थी हैं, कितने आप क्रेडिबल हैं, वो चीज़ देखी जाती है. या आपने भी किया होगा, जब आप नए नए किसी से मिलते हैं तो आप पहले ये देखते हैं वो कैसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन जब आप उसे काम स्टार्ट करते तो फिर आप ये देखते हैं वो कितना ईमानदार है, कितना हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. पीपल नीड टू सी एविडेंस ऑफ योर करेक्टर. जब आप किसी शुरू में मिलते हैं तो पहले तो आप अच्छी बातचीत करते हैं, लेकिन आगे जाके जब उनसे आप काम स्टार्ट करते हैं, आपके रिलेशन बढ़ते हैं, तो आपका करेक्टर भी ऑब्वियसली देखते हैं ना, कि आपका कैसा करेक्टर है, लोगों से बर्ताव कैसा है, कितना सच बोलते हैं, ये सब चीजें भी काउंट होती हैं. अब बेस्ट एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि अगर आपने किसी से आपने डील सेल्स करनी है, आपने उसको कॉल किया, ठीक है, लेकिन आपने पहले बहुत अच्छे से बात की, वो इम्प्रेस भी हो गए, आपने स्टार्ट कर दिया काम. ये करेक्टर और क्रिएटिविटी की बात कर रही हूँ, ट्रस्ट पर दीजिए. शुरू में आप बहुत अच्छे लेके चले, और बाद में क्या हुआ, किसी तरीके से कोई भी सेल्स में ऐसा था जिसने थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे कर दिया पैसों का, तो आपकी जो आपकी ट्रस्ट था, आपकी जो क्रेडिबिलिटी, वो खत्म हो गई. ऑब्वियसली वो आपसे काम जो है वो नहीं करेंगे. तो आपकी हमेशा हर चीज़ में, आप कितना आपका करेक्टर अच्छा और कितनी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, उसी बिना पे लोग जो है वो इंस्पायर हो. नेक्स्ट जो इसका तीसरा इक्वेशन का मैंने आपको बताया था, व्हाट पीपल नीड टू फील. जब भी आप किसी को इंस्पायर करेंगे तो वो सबसे ज्यादा याद ये रखेगा कि जब आप कोई बात कह रहे थे, आप कोई स्पीच समझे स्टेज पे दे रहे थे, तो लोगों ने फील कैसा किया. लाइक आप जो उनमें मोटिवेशन देना चाह रहे थे, या मतलब उनको कोई मैसेज देना चाह रहे थे, जैसे मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आपका जो इनर पैशन था वो लोगों ने फील किया या नहीं किया. फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और फीलिंग सबसे ज्यादा याद भी रहती है. इसकी अगर एग्जांपल दूं कि अगर कोई ट्रेजिक सीन है, सैड स्टोरी सुना रहा है, अगर कोई रो जाए तो एक फीलिंग है ना, लोग हमेशा याद रहेंगे कि यार इसने इतनी अच्छी बात, ऐसी बात की थी, उसकी स्टोरी इतनी अच्छी सुनाई कि मेरे आंसू आ गए. तो फीलिंग जो है वो कभी भी जो है वो नहीं भूलते. आपके चाहे दोस्तों, या आप अगर किसी बहुत बड़ी 500 लोगों की गैदरिंग में आप स्पीकर हैं, तो फीलिंग हमेशा जो है वो याद रहती. उसके अलावा एक और जो चीज़ बहुत काउंट होती है, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या 500 लोगों से बात कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आप इस कॉन्फिडेंस से बोलें कि लोग उस कॉन्फिडेंस की फीलिंग को महसूस करें, इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए. और फिर जो है वो आप इंस्पायर भी कर सकते हैं. इसका मैं थोड़ा सा इसमें, पीपल मस्ट फील योर कॉन्फिडेंस बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज व्हाट इंस्पायर देम टू से यस टू द क्वेश्चन कैन आई डू इट. ये मोटिवेशन स्पीकिंग, इसमें आपने देखा होगा लोग होते हैं कैन यू डू इट, नारे लगवाते हैं. क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है जो बंदा बोल रहा होता है, और फिर उसको फील कराता है अपनी ऑडियंस को, और फिर लोगों को लगता है कि हम कर सकते हैं, और फिर उनमें एक मोटिवेशन जो है टाइमली हुई है जो भी पैदा हो जाती है, फिर वो चीज़ें करना शुरू हो जाती है. अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पीपल नीड टू फील योर ग्रेटिट्यूड फॉर देम, यानी शुक्रगुजारी. इसमें ये बात है कि आपने उनको जब भी आपको स्पीच करनी है एज ए स्पीकर, तो आपने उनको ये भी एक एहसास दिलाना है शुक्र, आपने मतलब क्या आप उनके शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल हैं कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, आपके लिए टाइम निकाल के आए हैं, आपने ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई ख़ास चीज़ उनको अपनी कहानी में डाली है ताकि उनको एहसास हो कि आपका बहुत शुक्रिया कि जो है वो आप मुझे सुन रहे हैं. इस तरीके जैसे अगर मैं हूँ कि मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा मशगूल हूँ आप सबकी, कि आपने जो इतना टाइम निकाला मेरे 5 सेशंस के लिए, और जो है वो आप रेगुलरली जो है मेरे सेशन जो है लेते रहे. अच्छा, इसके अलावा फीलिंग में मैं वही बताया आपको, पैशनेट, कॉन्फिडेंस, इंस्पायर, ये सब चीज़ें जो है वो आपका जो लिसनर सामने बैठा है उसको फील होनी चाहिए कि आप अंदर से कितने कॉन्फिडेंस हैं, कितने पैशनेट हैं, ये सब आपको फील होना चाहिए. यहाँ तक क्लियर है सबको?
आवाज नहीं आ रही। जी 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 बिल्कुल जी, ठीक है ठीक। अच्छा नेक्स्ट जो आपका वही रिव्यू है जो आप इंस्पिरेशन को जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, व्हाट दे नो, व्हाट दे सी, व्हाट दे फील, ये आपके ऑडियंस के बारे में जो तीनों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके अलावा एक्शन इंस्पिरेशन एट द, अच्छा आप अपनी इंस्पिरेशन को हाईएस्ट लेवल पे मतलब कैसे शो करें अपनी ऑडियंस के लिए, अगर आप कम्युनिकेटर हैं, आप किसी के सामने स्पीच, आप कैसे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बने, इसकी कुछ और चीजें जो बताई उन्होंने। चूज राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम, सही टाइम पे सही वर्ड्स जो हैं वो आपने यूज करने, आप किस मौके पे जा रहे हैं, क्या स्पीच करने जा रहे हैं, उस टाइम के लिहाज से आपकी स्पीच जो है वो होनी चाहिए। अच्छा इसके अलावा जब आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, कोई मैनेजर हैं या आप टीम को मोटिवेट के साथ उनका एक्शन भी चाह रहे हैं, तो उनको एक्शन प्लान भी आप दें ताकि आप इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जो है वो बन जाए। अ मोटिवेशन टीचर मेक्स यू फील गुड एंड द नेक्स्ट डे यू नो व्हाई एंड टेक द एक्शन, वही बात की जो टीचर होता है अच्छा, वो आपको अपनी स्पीच के दौरान ही अच्छा फील कराता है और नेक्स्ट डे जो है वो आपको पता होता है कि आपने क्या करना है और क्या एक्शन लेना। हेल्प पीपल टू मूव फ्रॉम नो हाउ टू डू नाउ, कि नो हाउ और अभी आपने क्या करना है नेक्स्ट, ये जो आपका अच्छा इंस्पायरिंग टीचर है वो आपको बताएगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला इसमें एक्सप्लेन किया है, ए सी टी का, ए स्टैंड फॉर द थिंग्स यू नीड टू अप्लाई, आपने क्या अप्लाई करना है नेक्स्ट, जो इंस्पायरिंग टीचर है उसने आपको अपनी स्पीच में ये सिखाना है। सी फॉर द थिंग्स यू लर्न फ्रॉम दैट यू नीड टू चेंज, सी अगर आप इंस्पायरिंग टीचर हैं तो आप लोग आपकी स्पीच के दौरान ये सीख लेंगे कि वो क्या चीज अपने अंदर चेंज करें। टी फॉर द थिंग्स यू लर्न दैट यू नीड टू टीच, और वो भी आप इंस्पायरिंग कनेक्टर से सीख लेंगे कि आपने क्या चीजें जो आगे टीच करनी। इसके आगे जो है मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। जी सर। ओके थैंक यू जैनब, आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया जो चौथा प्रैक्टिस कह लें आप उसे, और वो है सारी उसका मेन थीम यह है कि इंस्पिरेशन, और जब मैं कहता हूँ इंस्पिरेशन का मतलब है यू हैव टू गेट इनटू द स्पिरिट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, आप लोगों की रूह में सराहियत करें, जब आप उससे किसी से बात करें तो आपकी बात में वो वज़न हो और इतनी खूबसूरत हो वो बात, या उस बात में इतने हकायक हों और सच्चाई हो और इतनी ट्रांसपेरेंट हो कि लोग अंदर से फील करने लगें, तो फिर आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब एक सेकंड के लिए मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आप जिससे भी मुतासर हैं ज़िंदगी में, बड़े मुकर्रर जो भी स्पीकर आपका फेवरेट है, थोड़ी देर के लिए उसको अपने जहन में ले आइए और फिर हम इसको स्टडी करते हैं, तो आपको महसूस होने लगेगा कि आप क्यों पसंद करते हैं उसे, क्योंकि उसमें यही खसूसियात हैं, तभी तो आपके दिल को वो जीत गया है। देखें ना, आप चाहे आप टोनी रॉबिन्स को पसंद करते हैं, लेस ब्राउन को, जॉन मैक्सवेल को, या आपके अपने मकामी जो वहाँ पर अच्छे स्पीकर्स हैं पाकिस्तान में या जहाँ भी आप लोग हैं, तो वो वहाँ पर जिससे भी आप मुतासर होंगे तो आप उनमें ये खसूसियात पाएंगे और तभी वही वजह है कि आप उन्हें पसंद करते हैं, तो फिर आपको वो बात समझ में आ जाएगी। तो अब आप जिस तरह से अभी जैनब ने हमें एक फार्मूला बताया कि वो व्हाट दे नो, व्हाट दे सी एंड व्हाट दे फील इज इक्वल टू इंस्पिरेशन, ठीक है ना। इंस्पायर करने के लिए तीनों चीज़ें कि भाई वो क्या जानते हैं, क्या देखते हैं और क्या महसूस करते हैं, तभी उससे आप इंस्पायर करते हैं। तो क्योंकि अगर मैं आपकी फीलिंग को ही नहीं समझता, मैं आपको जानता ही नहीं हूं और मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रहा हूं, तो मैं कैसे इंस्पायर करूंगा आपसे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरी सारी तवज्जो आप पर मरकूज होनी चाहिए फ्रॉम एवरी एंगल, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। और फिर लोग ये जानना चाहते हैं कि आप उन्हें समझते भी हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो भी है आपकी, अगर आपकी तवज्जो नहीं है, आप उन्हें समझ ही नहीं रहे हैं, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कीजिए, खूबसूरत जुमलों में हेर फेर करते जाएं, लोग कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। लफाजी सिर्फ कनेक्ट नहीं करती बल्कि वो एहसास कनेक्ट करता है, उन्हें समझ आती है कि ये हमें समझते भी हैं और ये हमारी तरफ तवज्जो भी है उनकी और हमारी, हमें उन्होंने स्टडी किया है बिफोर दे टॉक टू अस। फिर हमें ये है कि जैसे अभी उन्होंने बताया था व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे सेइंग, ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है।
अब जैसे वो एक बहुत खूबसूरत में एक उसकी मिसाल यूँ देता हूँ, मैनेजमेंट और लीडरशिप ये दोनों कम्युनिकेट तो करते हैं ना अपने लोगों से, लेकिन मैनेजमेंट में जो कम्युनिकेशन होती है वो परसुएडिंग जो होती है, ये दे परसुएड द पीपल टू डू थिंग्स दे डू नॉट वांट टू डू। मैनेजर का ये काम होता है कि आपको इस बात पर कायल करता है उन चीजों को करने के लिए जो आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन लीडर वो आपको इंस्पायर करता है उन कामों को करने के लिए जो आपने सोचे भी नहीं है कि मैं कर सकता हूं। ये बड़ा फर्क है, यानी वो आपके वो पोटेंशियल जो आपको खुद नहीं पता है लीडर आप पर आश्कार करता है कि नहीं यू कैन डू इट। मैनेजर सिर्फ ये देखता है कि भाई ये आपको आप करना नहीं चाह रहे लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। ठीक है, तो ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट कौन करेगा अब आप खुद सोच लीजिए। लीडर जो आप में एक इनकरेज कर रहा है, आपकी हिम्मत को बढ़ा रहा है और आपको यह एहसास दिला रहा है कि जो आप जहां हैं उससे कई गुना ज्यादा के काबिल हैं, आप उसके अहल हैं, तो वो आप उससे कनेक्ट होंगे। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज है एक माया एंजेलो का वो कोट बड़ा अच्छा खूबसूरत है, द मोस्ट कॉल्ड अपॉन प्री रिक्वेस्टेड ऑफ ए फ्रेंड इज एन एक्सेसिबल ईयर। वो दोस्ती क्या जो हमें सुने ना, दोस्ती की सबसे पहली रिक्वायरमेंट पहली शर्त ये होती है अच्छे दोस्त की कि वो आपको सुनता है। ठीक है, वही अच्छा दोस्त होता है जो आपको सुने, ये नहीं कि वो आपको सिर्फ बताए। ठीक है, वहाँ पर दोस्ती की भी ये पहली शर्त है, इसीलिए वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर ये कि बाकी उन्होंने जैसे कहा पीपल नीड टू नो दैट यू हैव अ हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ देम। ठीक है, तो जाहिर है जब भी आप एक कम्युनिकेटर के तौर पे किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनकी बड़ी तवक्कात होती है ना आपसे वाबस्ता। अगर कोई आप एज ए पब्लिक स्पीकर कहीं जाते हैं तो वो लोग जब आते हैं दूर से चलकर आपको सुनने के लिए तो वो एक कोई तवक्को लेकर आते हैं ना कि भाई आज हमें कोई काम की बात पता चलेगी और पता चला आपने कोई काम की बात ही ना की, या इवन आपने बातें तो बहुत अच्छी की आपने उनसे कनेक्ट ही नहीं किया जो उनके रेलेवेंसी नहीं थी उनके और आपकी बातों के दरमियान, तो वो ये समझेंगे कि ये वक्त का ज़िया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आगे चलें। फिर वही है कि व्हाट पीपल नीड टू सी, ये बहुत बड़ी खूबसूरत बात है कि आपको ये एहसास होना चाहिए एज ए कम्युनिकेटर, एज ए पब्लिक स्पीकर, एज ए मार्केटर, एज ए सेल्स पर्सन, वट एवर यू आर एंड वेर एवर यू आर यूजिंग ऑल दीज टेक्निक्स एंड दिस स्किल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग क्या देखना चाहते हैं, ना कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं स्टेज पे खड़ा होके स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए तो नहीं आया, मैं तो स्पीकर हूँ, तो मैं वही करूँगा जो लोग मुझे देखने आए हैं, ना कि मैं अपने मजाक सुनाऊंगा और कॉमेडियन बन जाऊंगा। ना पीपल हो सकता है उस वक्त हंस भी दे लेकिन उनका वक्त आपने ज़ाया किया, वो इसलिए नहीं आते हैं आपको देखने। तो वो आपकी कन्विक्शन देखना चाहते हैं कि आपकी दूरबीनी क्या है, आपकी इनर कोर वैल्यूज़ क्या हैं, किस किस्म की शख्सियत हैं आप, आपकी अपनी भी कोई मतलब एथिक है आपकी लाइफ में या नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। इफ यू आर नॉट क्रेडिबल कुछ नहीं है। देखे जैसे उसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, एक मीडियोकर टीचर जो होता है, एक आम उस्ताद जो होता है, वो क्या है, वो जब पढ़ा रहा होता है तो वो सिर्फ बता रहा होता है, ये बस वो बता रहा होता है सब्जेक्ट जो भी जो उसका पढ़ाने का अंदाज होगा वो बताने वाला होगा। जो अच्छा उस्ताद होगा वो उसको उसकी तशरीह भी कर रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा, सिर्फ बता नहीं रहा होगा, उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। और जो बहुत ही आला उस्ताद होगा वो डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएगा। ये तीन किस्म के उस्ताद होते हैं जिंदगी में, तो एक तो वो है जो बता रहा है, दूसरा उसकी तशरीह भी दे रहा है, समझा रहा है, और तीसरा उसको करके दिखा रहा है, वो सबसे आला उस्ताद है। वो आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाता है, आप उसे कभी नहीं भूलते, देखिए जो आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखा दे। ठीक है, तो इसी तरह क्रेडिबिलिटी में सबसे पहली जब लोग ट्रस्ट करते हैं फिर वो आपको सुनते हैं। ये पुरानी कहावत है कि लोग आप दे डोंट बाय इन योर विजन, दे डोंट बाय इन एनी थिंग विच यू वॉन्ट टू सेल, दे वॉन्ट टू बाय इन यू फर्स्ट, कि मैं क्या आप पर भरोसा भी कर सकता हूँ, तभी तो मैं आपसे कारोबार करूँगा ना, तभी तो मैं आपसे कुछ सीखना चाहूँगा या इंस्पायर होऊंगा या बिजनेस करूँगा, जो भी करना है मुझे आपसे कनेक्ट करने के लिए, बट आई हैव टू ट्रस्ट यू, एम आई ट्रस्ट वर्दी, अगर मैं नहीं हूँ
देखें लोग, एक बड़ा खूबसूरत जुमला मैं कई जगह अपनी तकरीर में ये पूछता हूँ कि दुनिया में सबसे पावरफुल कॉम्प्लीमेंट क्या है, और पूछता हूँ तो सारे कहते हैं जी वो आई लव यू वी लव यू आई लव यू वी लव यू, यही सुनता रहता हूँ मैं। मैं कहता हूँ डू यू थिंक दिस इज राइट दैट आई लव यू कहना जो है बहुत पावरफुल कॉम्प्लीमेंट होता है किसी के लिए, वी लव यू, आई डोंट थिंक सो, मैं इसका कायल नहीं हूँ। बिकॉज आई बिलीव आई ट्रस्ट यू वी ट्रस्ट यू इज द मोर पावरफुल कॉम्प्लीमेंट देन आई लव यू एंड वी लव यू, बिकॉज वी लव सो मेनी पीपल बट वी डोंट ट्रस्ट देम। ऐसे बेशुमार लोग हैं हमारी जिंदगी में, हमें बड़ा प्यार है उनसे लेकिन भरोसा नहीं है उन पर, है ना ऐसा, तो वो क्यों है? इसलिए कि ट्रस्ट डेवलप होना सबसे जरूरी चीज है, लव अलग उसके बाद आता है, ट्रस्ट उससे कई गुना पावरफुल है। तो यू हैव टू डेवलप द ट्रस्ट टू इंस्पायर पीपल, तभी तो आप इंस्पायर करेंगे लोगों को। फिर लोग वही कैरेक्टर, लेकिन कैरेक्टर अगर आपका नहीं है तो फिर वही वाली बात है कि लोग आपको कोई अहमियत नहीं देंगे। जैसे वो बहुत खूबसूरत बात कही जैनब ने कि पहले 6 महीने जो है वो लोग आपकी कम्युनिकेशन को ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, पर बाद में 6 उसके बाद का जो अरसा होता है वो फिर आपकी शख्सियत को अहमियत देते हैं, ना कि आपकी बातों को, क्योंकि उस वक्त तक वो आपको पहचान चुके होते हैं, आपका किरदार वाजे हो चुका था। शुरू में जब आप किसी से मिलते हैं तो वो अपनी बातें कर रहा होता है, तो थोड़ी देर के लिए आपको सच्चे दिल से झूठे दिल से तसल्ली देकर ये सोचना होता है कि चलो मान लेते हैं यार ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं है ना अभी। लेकिन जब थोड़ा अरसा गुजरता है तो हमें उनका किरदार पता चल जाता है, फिर हमें उनकी बातों से ज्यादा उनके किरदार पर भरोसा हो जाता है। अगर उनका किरदार अच्छा है तो हम फिर ये ज़्यादा गौर नहीं करते बात पे, हम कनेक्ट हो जाते हैं उनसे। लेकिन शुरू में आपको उनकी बातों पे यकीन करना पड़ता है क्योंकि आप उन्हें जानते नहीं हैं। तो ये है कि वो डेवलप होती है क्रेडिबिलिटी, थोड़े से अरसे लगता है उसके बाद। उसके बाद ये है कि अब जिस मौजू पर भी आप बात करने आए हैं, अगर एज ए पब्लिक स्पीकर, एज ए मार्केटर, एज ए सेल्स, जहाँ भी हैं मैं ये कह रहा हूँ, तो वो ये देखना चाहता है कि आपका पैशन क्या है, मतलब आप पैशनेट भी हैं जो चीज। अब मैं अगर कुछ बेचना चाह रहा हूं आज आपको और मैं खुद भी उसके लिए एंथुजियास्ट नहीं हूं तो आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मेरा पैशन देखकर ही तो आप मुतासिर होंगे ना कि यार ये इतना जबरदस्त इसकी प्रोडक्ट है कि ये इतना उसके लिए जज्बाती हो रहा है, तो जरूर कुछ तो होगा इसमें। और सेल्स को इसीलिए मेरी डेफिनेशन सेल्स की मैं हमेशा बताता हूँ, आप सुन चुके होंगे शायद जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं काफी दिनों से, कि सेल्स इज नथिंग, इज द ट्रांसफरिंग ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम यू टू समवन एल्स इज कॉल्ड सेल्स। इफ यू आर एज एंथुजियास्टिक एज आई एम फॉर माय ओन प्रोडक्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू एंड अप विद बाइंग, दैट्स ऑल द सेल्स इज। बाकी सारे प्रोसेस हैं, सेल्स इटसेल्फ इज जस्ट ट्रांसफरिंग ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम यू टू समवन एल्स। तो यही कनेक्ट कर रहा है ना, तो यही अगर आप एज ए स्पीकर, एज ए मार्केटर, एज ए सेल्स अगर कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं तो याद रखिए कि एनर्जी होना बहुत लाजमी आपके अंदर, और आपका एंथुजियाज्म आपको नुमाया कर रहा हो, उन्हें नजर आ रहा हो कि किस, यानी आप एनर्जी के साथ उनसे मुखातिब हैं। जब आपकी, क्योंकि एनर्जी अट्रैक्ट्स द एनर्जी, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी है। आप फ्रीक्वेंसी आपकी जो निकल रही है वही तो जाके उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगी दूसरे की। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपका एनर्जी लेवल इतना मजबूत और हाई होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ अब ये एनर्जी कैसे आती है ये जरा ख्याल रखिए, पैशन और फीलिंग कैसे होती है, कि सबसे बड़ी चीज है डू आई बिलीव व्हाट आई से। जैसे मैंने अभी कहा, अगर मुझे अपनी प्रोडक्ट पर ही भरोसा नहीं है, या एक डॉक्टर होकर मैं अपने बच्चे को वो दवा नहीं लिखता हूँ जो मरीज जो आ रहा है उसको लिख रहा हूँ, तो मैं तो झूठ बोल रहा हूँ ना, चीटिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर वही दवा मैं अपने बच्चों को भी लिख रहा हूँ जो उनको लिख रहा हूँ, तो फिर मैं बिलीव कर रहा हूँ ना उसमें, तो आप इजीली उनसे कनेक्ट होंगे। फिर आपको ये देखना है डू आई बिलीव इट विल हेल्प अदर्स, कि जो मैं कहने आया हूँ क्या वो लोगों की कोई मदद हो सकेगी, या क्या लोगों में वो कोई तब्दीली ला सकती है, तो मैं कनेक्ट करूँगा। अगर मेरे में वही नहीं है कि मैं कुछ चेंज नहीं ला सकता, या मैं उसमें उनके बारे में कोई बात ही नहीं है मेरी बातों में, तो वो क्यों मुझसे कनेक्ट होंगे। और लोग जो है ना, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपका एतमाद देख रहे होते हैं कि आपका अपने अंदर कितना एतमाद है।
ठीक है, अगर मैं रिजवान भाई से कोई बिजनेस करना चाहूँ, सज्जाद भाई से कोई डील करना चाहूँगा, तो मैं सज्जाद भाई के अंदर जब वो मुझे डिफाइन कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, मैं उनकी कॉन्फिडेंस को देख रहा हूँगा, लेवल को, कि अगर वाकई इतना कॉन्फिडेंट है तो देर इज समथिंग देयर। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है जब मुझे बताते हुए, तो मैं फिर बाय इन कैसे करूँगा, मुझे बताएं, कोई भी नहीं करेगा। तो ये याद रखिए कि आपको अपने अंदर पहले एतमाद होना लाजिम है, तभी तो लोग आप पर एतमाद करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्पायर का, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ग्रेटफुल, जैसे उन्होंने कहा कि ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, दुनिया में कोई भी बुरा ऑडियंस नहीं होता, अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं तो, ये याद रखिए, दुनिया में कहीं भी बुरे ऑडियंस नहीं है, बुरे स्पीकर हर जगह मिल जाएंगे आप। तो आपको हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई आपको सुन रहा है। आज के दौर में तो बीवी मियां को नहीं सुनती, और अगर आपको कोई सुन रहा है बैठ के बेचारा, तो उसकी तारीफ कीजिए भाई। अब अगर वो अगर जज्बाती नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है आप में जान नहीं है ना, उनको बेचारों को क्यों मुर्द इल्जाम ठहराते हो, या आपको बात करने का सलीका नहीं आता, आपको फन नहीं आता वो। तो ये याद रखिए कि ग्रेटफुल रहिए आप अपने ऑडियंस के भी, जिससे भी आप वन ऑन वन भी कर रहे हैं, तो आप हमेशा मतलब उसकी तरफ मुखातिब होकर कहें कि यार थैंक यू कि यार आपने इतना वक्त दिया मुझे कि हम आज कुछ बातें कर सके, आपस में कुछ गुफ्तगु हुई हमारी। तो वो खुश होगा, वो कनेक्ट करेगा, वो आपको याद रखेगा कि यार ये इतना अच्छा और बाखलाक इंसान है, हालांकि वो भी मुझसे सीख रहा है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि देखें फिर भी वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी when you want to connect, ठीक है। और फिर वही बात है, you cannot give something which you do not have, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या। हमारे यहाँ जैसे वो कल ही मैं एक शो में बात कर रहा था, तो वो वहाँ पे वही अक्सर जो होता है, हर शख्स ने सुना हुआ कि money is the mother of all evils, यही आता है लोगों के जहन में। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार how do you say that, देखें जी आप किसी को क्या देंगे जब आपके पल्ले ही कुछ नहीं है, आपके पल्ले ही कख नहीं है, तो आप देंगे क्या, आप किस काबिल हैं, कुछ काबिल नहीं है। तो भाई आप यू हैव टू हैव समथिंग टू गिव समवन। तो कैरेक्टर हो, दौलत हो, नाम हो, शोहरत हो, जो भी है आपके पास, तभी तो आप किसी को कुछ दे सकेंगे ना, उसी के बलबूते पे। तो पहली चीज़ हमेशा आप अपनी क्रेडिबिलिटी को और अपनी आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं लोगों से, तो मेक श्योर यू हैव समथिंग टू गिव समथिंग, खाली हाथ ना जाएं, ठीक है। हमारे यहाँ फिर वही मैं बात करूँगा, बैड स्पीकर्स हर जगह मिलेंगे आपको, और आजकल तो वबा आई हुई है, जिसे देखो स्पीकर बना हुआ है, ओ भाई तुम्हें आता क्या है, ओ जी मैं तो आता कुछ नहीं है। हर आदमी चाहता है मैं पेशावर प्रोफेशनल स्पीकर बन जाऊँ। मैं आपको दो दिन पहले की बात है, एक साहब ने मुझे पिछले एक हफ्ते से अप्रोच किया, रोजाना एक मैसेज भेज रहे थे किसी दोस्त के थ्रू, मुझे रेफर हुए थे कि जी आप 20 मिनट या 25 मिनट कैन आई टॉक टू यू ऑन जूम कॉल। तो मैंने कहा भाई आप किस बारे में ऐसी मैसेज कर दें, तो वो नहीं नहीं सर आई वॉन्ट टू आस्क यू और ये वो। खैर मैंने अपना स्केड्यूल देख के कोई 6-7 दिन पहले से वो कर रहे थे, तो मैंने उन्हें टाइम दे दिया। अब वो आ गए मेरे साथ कॉल पे, अब मैंने कहा जी फरमाइए मैं हाउ कैन आई ऐड द वैल्यू। तो कहने लगे जी वो मैं प्रोफेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं बिल्कुल, तो आप क्या किस मौजू पे बात करेंगे। बोला यही तो आपसे पूछना है। अरे भाई आपको पता ही नहीं आपने बोलना क्या है। तो मैंने कहा यार यू डोंट नो द सब्जेक्ट, हु इज गोइंग टू पे यू, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड योर पैशन, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड योर सब्जेक्ट, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी योर सब्जेक्ट, व्हाई आई एम गोइंग टू पे यू, टेल मी वन थिंग व्हिच यू वांट टू आस्क मी द मनी एंड give me a good reason why should I pay you। तो अब लोगों को पता ही नहीं है। तो मेरी वही बात है कि देखें हमेशा आप अपने आप को डिस्कवर तो करें पहले, सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी जात के लिए कोई आपको पैसे नहीं देगा, और ऐसे आप कनेक्ट भी नहीं करेंगे लोगों से, ठीक है। उसके आगे है say the right words at the right time, ये बहुत खूबसूरत बात है, ये समझने वाली बात है कि सही वक्त पे सही बात की जाए तो उसका सही असर होता है, ठीक है। आप गलत वक्त पे सही बात करेंगे आप असर नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप सही वक्त पे गलत बात करेंगे तो कनेक्ट नहीं करेंगे,
ठीक है, दोनों सूरत में आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि सही वक्त पे और सही बात की जाए। मसलन अब आप एक किसी ताजियत के लिए गए और वहाँ कहका मार दें, आप कनेक्ट करेंगे, लोग उठा के जूते मारेंगे आपको। या आप किसी की शादी में गए, लोग बेचारे खुश हैं, बिरयानी उड़ा रहे हैं, अब वहाँ आप बैठ गए कि यार ये अच्छा नहीं हुआ दुनिया में, अब बताएं आप वो मारे गए दूल्हा उठ के कि यार मेरे इतने पैसे खर्च हो गए और तू कह रहा अच्छा नहीं हुआ। तो बात यह कि गलत टाइम पे गलत बात नहीं करें, सही बात नहीं करें और सही बात गलत वक्त पे ना करें, बल्कि सही वक्त सही बात सही वक्त पे की जाए तो काम करती है। फिर एक्शन प्लान लोगों को ज़रूर दें, जो आप बताने आए हैं आखिर वो करें क्या, आपकी बताई हुई बात को कहाँ लेके जाएं वहाँ से। तो यू हैव टू गिव देम ए कॉल टू एक्शन, यानी एक्शन प्लान होना चाहिए आपके साथ कि भाई अब ये जो मैंने आपको सिखाया या समझाया, जैसे ज़ैनब ने हमारे साथ इन 5 हफ्तों में जो मेहनत की है, अब हम जैनब को क्या बताएं कि हमने क्या सीखा, भाई हमें बताना चाहिए हमने क्या सीखा, हमें कहाँ तक समझ में आई आपकी बात और अब हम क्या करें ताकि वो नेक्स्ट कॉल टू एक्शन हमें दें, हमें बताएं कि हमने क्या करना है आगे जाके। ठीक है, अब जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी है वो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करें, जिन्हें सेल्स और मार्केटिंग करनी है वो सेल्स और मार्केटिंग के कोर्सेज ज्वाइन करें उनके साथ, वो अगर कोच करती हैं, वो अगर ट्रेन करती हैं, वो अगर ऐसा कर रही हैं तो हमें उन्हें फॉलो करना होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह हम आपको आगे बढ़ सकते हैं मिलके। से हेल्प पीपल मूव फ्रॉम नो हाउ टू डू नाउ, ये बहुत खूबसूरत बात है, ये याद रखिए। मैं समझता हूँ इस वक्त जो लोग भी इस वक्त हमारे रूम में मौजूद हैं ख़ास तौर पे और जो लोग देख रहे हैं वो भी, देखें नो हाउ कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, सारी दुनिया अभी आप आपको अगर कोई नहीं मिल रहा तो अपने ससुराल चले जाइए, वो सारे नो हाउ वाले होंगे, वो आपको रॉकेट साइंस की सारे बता देंगे, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव सब उनको आते होंगे, मेरीन साइंस वो पूरी जानते होंगे। ठीक है, और ट्रंप को हुकूमत चलानी नहीं आती वो भी सारा आपको समझाएंगे, ओबामा ने क्या गलतियां की उन्हें पता होंगी, लेकिन घर में बीवी से लड़ाई चल रही होगी कि खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसे नो हाउ वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, आप नो हाउ के बजाय डू नाउ पे चलिए जाइए कि भाई जो मुझे आता है मैं आज करूँ, भूल जाइए नो हाउ। नो हाउ हम सब में खामखा की एक बीमारी है जो हम सब में मौजूद होती है अक्सर और बेशतर, लेकिन कुछ में ज़्यादा होती है, जितना आप पढ़ ले जितना आप पढ़े लिखे होते जाते हैं वो बीमारी कम होती जाती है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि मुझे नहीं आता। यही पढ़ने से फ़ायदा होता है कि हमें एहसास होता है कि हमें नहीं आता, हम खामखा बकवास कर रहे थे, क्योंकि ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। ठीक है, तो मतलब ये कि नो हाउ की बजाय डू नाउ में आप चेंज कीजिए अपने। फिर जैसे उन्होंने एक बहुत खूबसूरत फार्मूला बनाया था ACT का, एक्ट, यानी अप्लाई कीजिए, चेंज और टीच। ठीक है, तो फॉर द थिंग्स यू नीड टू अप्लाई, फॉर द थिंग्स यू लर्न एंड यू नीड टू चेंज, एंड फॉर द थिंग्स यू लर्न दैट यू नीड टू टीच। और दुनिया में सबसे आगे बढ़ने का तरीका भी यही है कि जो आप अपने जो भी सीख रहे हैं इस पूरे 5 हफ्तों में जो भी हमने सीखा है कम्युनिकेशन का, हम पहले उसे अप्लाई करें, फिर अपने अंदर तब्दीली लाएं और फिर कोशिश करें हम दूसरों को पढ़ाएं, और जब आप पढ़ाने लगते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर होते चले जाते हैं उसी काम में। ठीक है, तो ये अब तक हमने किया। फिर हाउ मैनी, फिर ये भी है कि मेक ए कमिटमेंट, एक अपने आप से वादा करें कि हम किस तरह कंटिन्यूली लोगों को इंस्पायर करेंगे। ठीक है, ये एक फैसला करें, आज इस कोर्स के अख्तिताम पे हम सब ये फैसला करें कि आज के बाद हमारी सारी कम्युनिकेशन इसी से मुतालिक होगी कि हम लोगों को इंस्पायर कैसे करें, बजाय वक्त ज़ाय करके वहाँ बैठ के गप्पे लड़ाने के, अमरीकी सियासत को तबाह करने के, इसराइल के वज़ीर आज़म को जहन्नुम रसीद करने के, हम ये सोचें कि हमने काम क्या करना है, इंस्पायर एक दूसरे को कैसे करना है, किस तरह एक दूसरे की ज़िंदगी में वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, फिर आप खुद सोचिए अपने बारे में कि हाउ मैनी पीपल डू यू अफेक्ट, आप कितने लोगों को मुतासर करते हैं, हाउ मैनी पीपल कैन यू अफेक्ट, यानी और कितनों को कर सकते हैं, और हाउ मैनी पीपल कैन यू मेक बेटर देन वट एवर दे आर, और हाउ मैनी पीपल कैन यू इंस्पायर। ये सारे सवाल अपने आप से कीजिए, आप सब में एक एक लीडर छुपा बैठा है और आपको वो लीडरशिप की क्वालिटी जो अल्लाह ताला ने आप में दी है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप में भी एक माइकल जॉर्डन, एक मार्क ज़करबर्ग, एक बिल गेट छुपा हुआ है, उसे बाहर लाइए, आपने इस दुनिया को लीड करना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप अच्छे कनेक्टर बनिए, फिर अब उसकी प्रैक्टिसों में जो भी है
वन ऑन वन कैसे किया जाए, जैसे अभी हम बात करते हैं, तो वो कैसे होगा? हम एक अगर वन ऑन वन गुफ्तगू में कैसे कनेक्ट करते हैं, खासतौर पे इंस्पिरेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि आपका दिल हो खिदमत करने वाला, खिदमत गुजार दिल लेकर बात कीजिए लोगों से कि मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ, आपके काम आने के लिए आया हूँ ना, तो फिर आप खुद ब खुद कनेक्ट करेंगे। फिर आप अपनी गुड वैल्यूज को दिखाएं कि यार देखें मेरा, मैं मेरी जिंदगी के ये प्रिंसिपल हैं, मैं उसूलों का आदमी हूँ, मैं इस तरह जीता हूँ, वो आपसे मुताबिक। फिर मैं आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। आप जब भी किसी के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, वो कहेगा कि यार ये इससे अच्छा इंसान और क्या हो सकता है जो मेरे लिए खुद हाथ बढ़ा रहा है। फिर केयरिंग स्पिरिट होनी चाहिए आप में, ठीक है? वो अगर नहीं भी कह पा रहा तो मुझ में इतनी स्पिरिट होनी चाहिए कि मैं अगर वो बोलते हुए झिझक रहा है तो मैं उससे बुलवा लूँ ऐसी बात, ताकि वो ये ख्याल आए उसे कि ये मेरी केयर करते हैं, मेरे बारे में मुझे गौर से देख रहे हैं, मुझे मेरी परवाह कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज है बिलीविंग एटीट्यूड, यानी आप भरोसा कायम कर लीजिए उसके साथ। जब भरोसा कायम हो जाएगा तो वो शख्स जो अभी आपसे गुफ्तगू करके उठेगा इन तमाम चीजों के साथ, वो आपको जिंदगी भर फिर कभी नहीं छोड़ेगा ना भूलेगा, क्योंकि वो कनेक्ट हो गया। इसी तरह जब आप ग्रुप के साथ होते हैं तो फिर आपने क्या करना है, यू विल गो फर्स्ट एंड लीड बाय एग्जाम्पल, ठीक है? आप लीडर हैं, ये ख्याल रखिए। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे कनेक्टर हैं, आप अच्छे लीडर भी हैं, आप अच्छे मार्केटर भी हैं, आप अच्छे सेल्समैन भी हैं, तो आपने लीड लेनी है, पहल आपने करनी है। आप ये इंतजार में ना रहें कि वो पहले कनेक्ट मुझसे करें, नहीं, आप कनेक्टर हैं, वो नहीं है। तो यू हैव टू लीड बाय फर्स्ट, यू हैव टू गो फर्स्ट एंड लीड बाय एग्जाम्पल। एंड आप सिर्फ उनसे ये पूछें कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल बने उनके लिए। और उसके बाद आप उन्हें टीच करें, ठीक है, कि आपने जो कुछ अब तक किया है आप उससे कैसे वो फायदा उठा सकते हैं। उनके उनको ये सिखाने की कोशिश कीजिए कि आपने जो भी उनके लिए किया, ये हैव ऑलरेडी डन, टेल यू व्हाट यू विल टीच देम। जैसे अब मैं अगर आप कहूँ कि मैंने ये किताबें पढ़ी हुई हैं, या जैनब ने हमारे साथ ये मतलब एक पढ़ी है, हम उनके ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने ये हमें सिखाया, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ लिया था तो हमें उनके बहाने सीखने को मिला ना। तो मैं एक आने वाले दौर में भी यही करूं कि मैं दूसरों को बताऊं कि यहाँ देखें मुझे ये आता है, चले मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है, मैं आगे पहुंचा रहा हूं, ठीक है। एंड सक्सेस इज मोर इम्पॉर्टेंट टू यू देन योर सक्सेस, ठीक है? यानी ये कहें कि आपकी जो कामयाबी है वो मेरी कामयाबी से ज्यादा अहम है। मैं अपनी कामयाबी की प्रेस कराने के लिए बात नहीं कर रहा, मैं ये चाहूंगा कि अली रजा हमारे साथ ज्वाइन किया, मैमुना ने हमारे साथ, या हमारे साथ खलीक भाई ने, हमारी कोशिश है कि हम उन्हें ये बावर कराएं कि आपकी कामयाबी हमें ज्यादा अजीज है, हमारी कामयाबी नहीं, हम चाहते हैं आप कामयाब हों, ठीक है? तो फिर हमारा कनेक्शन कायम हो जाएगा, ठीक है? और जितना भी क्रेडिट जाएगा आपकी कामयाबी का और आपकी अकॉम्प्लिशमेंट का, वो आपको जाएगा, मुझे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? लीडर का ये काम नहीं है क्रेडिट लेना, ठीक है? एक अच्छे उस्ताद का भी ये काम नहीं होता कि वो क्रेडिट ले, वो क्रेडिट अपने शागिर्द को देता है, लीडर अपने टीम को देता है क्रेडिट। और फिर जब आप सब कामयाब हो जाएं तो वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, वी हैव टू सेलिब्रेट, ऑलराइट? एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ व्हाट्स कॉल्ड जंगल डांस, वी विल डू जंगल डांस, ठीक है? एंड विद दैट, अगर आप एज ए पब्लिक स्पीकर हैं, ऑडियंस से कैसे ज्वाइन करना है तो वो भी मैं क्विकली बताता हूँ, फिर हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं। कि जब आप एक बड़े मजमे से खिताब कर रहे हो, दैट आप हमेशा सबसे पहले ये बावर कराएं कि यू आर इंजॉइंग देयर, मैं ऐसे ऑडियंस हैं आपके, मैं इंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि उन्हें ये एहसास रहे कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं। और फिर जैसे आपने हमेशा मुझे सुना और इसी तरह मेरे उस्ताद कहते हैं, और मैं समझता हूँ आप सब भी कहते होंगे अपने अपने अंदाज से, कि लेट देम फील दैट यू आर देयर फ्रेंड्स। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपका दोस्त डॉक्टर फाज, इज योर फ्रेंड डॉक्टर फाज, या सो यू हैव टू टेल देम दैट यू आर देयर फ्रेंड। यहाँ पे मैं उस्ताद नहीं बन के आया हूँ, हाथ में डंडी लेकर नहीं आया हूँ, लाठी लेकर नहीं आया हूँ, डिक्टेटर बन के नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपका दोस्त हूँ, आपके पास आया हूँ,
आपसे बात करने आया हूँ और अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ आप सबसे बातें करते हुए, ठीक है। तो वो कनेक्ट कर रहे हैं, फिर ये भी उन पे सब बावर करा दें कि आप अथेंटिक हैं और वल्नरेबल हैं, ठीक है। वो ऐसी भाई नहीं, मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ तो मैं उस पर यकीन भी रखता हूँ और मैं उसको पढ़ लिख कर समझ कर फिर कर रहा हूँ आपसे बात, वैसे ही नहीं बस जैसे मैंने कहा ना हमारे इन लॉज होते हैं जो बताते हर चीज़ें आती कुछ नहीं है, तो हम वो नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक दूसरे को कनेक्ट तभी करेंगे जब हम उनको अथेंटिक बात बताएंगे, ठीक है। फिर हमेशा उनको ये एहसास रहे कि आप उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि उनको नीचे दिखा के बात कर रहे हैं। देखिए हमारे हमारे यहाँ स्पीकर का क्या होता है कि दे मतलब उन या तो उनसे नीचे की बात करेंगे कि यार आपको कुछ नहीं आता मैं बता रहा हूँ, ये इतनी बड़ी नॉनसेंस है कम्युनिकेशन में और पब्लिक स्पीकिंग में, नेवर डू दैट, ये सिन है, गुनाह है पब्लिक स्पीकर का कि वो ये समझे कि ऑडियंस बेवकूफ़ है। अक्सर करते हैं बड़े बड़े नामवर जो बने फिरते हैं स्पीकर, वो दूसरों को ये समझते हैं कि उन्होंने डेढ़ किताब पढ़ ली है तो वो अब दुनिया का हर इल्म जानते हैं, तो वो जब तकरीर करने खड़े होते हैं तो वो कहते हैं आपको कुछ नहीं पता बस मुझे सब आता है, तो वो स्पीकर फिर डेढ़ दिन के ही रहते हैं, उससे ज़्यादा उनकी लाइफ स्पैन नहीं होती है। तो हमेशा अच्छा स्पीकर बनने के लिए, अच्छे मार्केटर बनने के लिए, अच्छे सेल्समैन बनने के लिए, अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए, हमेशा आप उनसे बात करें, उनसे ऊपर और उनसे नीचे की बात ना करें, उनके बराबरी की बुनियाद पे उनको मुखातिब हूँ कि आप उतना ही जानते जितना मैं जानता हूँ। तो और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो हमेशा आप सुनते हैं एक अच्छे स्पीकर से, एक अच्छे कम्युनिकेटर से, कि आप उन पे बिलीव करते हैं, आई बिलीव यू सो यू कैन बिलीव योर सेल्फ। मेरी यह बात आप हमेशा सुनते हैं कि आप में भी एक मार्क ज़करबर्ग चुका, आप में भी एक बिल गेट छुपा हुआ, आई बिलीव इन यू सो यू कैन बिलीव इन योर सेल्फ। और हमेशा ये एहसास दिलाएं अपने जब कम्युनिकेट करें अपने सुनने वालों को, अपने ऑडियंसेस को, अपने एज ए स्पीकर जब आप किसी मजमे में हो तो आप उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आई बिलीव इन यू, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, I have done my job. Now it's time for you to go. So let's go to Zainab. कहाँ गई Zainab? Zainab. जी, mute हैं आप? जी. चलें आगे. Okay. अब हम last जो अपनी practice है उसपे जाएंगे, which is credibility और पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज कैसे बंदा क्रेडिबल हो, अगर वो क्या चीज़ होती है। बेसिकली क्रेडिबिलिटी आपकी ये चीज़ होती है, कनेक्टर लिव्स व्हाट दे कम्युनिकेट। आप वही काम करें या उस तरीके की लाइफ जिए जो आप दूसरों को बता रहे हैं। ये एक डेफिनेशन अगर हम क्रेडिबिलिटी की बताएं तो वो यही होता है कि आप वही कर रहे हो कम्युनिकेशन जो आप खुद हैं। बेसिकली व्हेन हैज समवन लॉस्ट क्रेडिबिलिटी with you as a speaker or communicator, what happened? अब आप सोचे जरा सा कि कोई speaker या communicator या कोई actor बहुत favorite है आपका, उसकी भरोसा credibility ही खत्म हो गई, तो क्या होगा? आप उससे आपका वो favorite connector speaker रहेगा? नहीं, obviously नहीं। कोई actor ले लें, कोई बहुत speaker ले लें मशहूर किसी की भी दुनिया में, उन पर कोई जैसे होता है कोई case हो जाता है तो क्या होता है, उनकी credibility लो तो होती है ना ऑब्वियसली। वो तो होता है कि फिर हो जैसे एक न्यूज़ आती है तो उनकी एक वो जो चीज़ होती है कितने वो क्रेडिबल है वो तो थोड़ी सी नीचे जाती है ऑब्वियसली, फिर वो प्रूव होने पे होता है। तो उसके बाद एक क्रेडिबिलिटी इज अ डिफरेंस इन एनी कनेक्टिंग रिलेशनशिप। बेसिकली जो मेन चीज़ है वो क्रेडिबिलिटी है कि आपका रिलेशनशिप उससे कैसा है। अगर वो बंदा क्रेडिबल ही नहीं है तो आप उसे ऑब्वियसली कनेक्ट नहीं होंगे। तो मैंने जैसे पहले बताया था द फर्स्ट सिक्स मंथ्स कम्युनिकेशन ओवरराइड्स क्रेडिबिलिटी, यानी शुरू के जब सिक्स मंथ होते हैं किसी से जब नए नए मिलते हैं तो कम्युनिकेशन जो है ओवरराइड करती है, कम्युनिकेशन शुरू में मैटर करती है। आफ्टर सिक्स मंथ जब आपका रिलेशन स्ट्रांग होता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मैटर करती है, कितने आप ट्रस्टवर्दी हैं, आपका करेक्टर कैसा है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसके बाद एक क्रेडिबिलिटी इज अ करेंसी फॉर लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, विद इट दे आर सॉल्वेंट, विदाउट इट दे आर बैंकक्रप्ट। क्या कहना है कि अगर आपके पास क्रेडिबल है आप तो आप सॉल्वेंट हैं, यानी आप हर जगह हल हो जाएंगे, यानी कि मिलजुल जाएंगे या अच्छे घुल मिल जाएंगे, लेकिन उसके बगैर आप बैंकक्रप्ट हैं।
अगर आप क्रेडिबल ही नहीं है, कोई भी कारोबार हो, कोई भी आप हो, इवन के फैमिली में अगर कोई क्रेडिबल नहीं है, लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपसे ताल्लुक रखना पसंद नहीं करेंगे. उसके बाद द ट्रस्ट टेस्ट, कंपेयर हाउ अफेक्टिव आ कम्युनिकेटर इज विथ हाई ट्रस्ट एंड अ लो ट्रस्ट. अभी ट्रस्ट टेस्ट कह रहे हैं कि आप किसी भी कम्युनिकेटर, किसी भी स्पीकर को अगर आप देखें, दो फॉर एग्जाम्पल अगर दें, एक जो है वो हाई ट्रस्ट लेवल के साथ है आपके और एक लो ट्रस्ट लेवल के साथ, कौन आपसे कनेक्ट करेगा? जो हाई ट्रस्ट लेवल है आपको, ऑब्वियसली इस पर आप बिल्कुल यकीन रखते हैं. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मैं देती हूँ, एक टीम है, उसके दो मैनेजर हैं, एक जो है वो आपके सीनियर मैनेजर है और एक आपके एग्जेक्टिव मैनेजर है. अब आपके चाहे वो एग्जेक्टिव मैनेजर है, उनकी पोस्ट छोटी है, लेकिन अगर आप उस पर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं, आप उनसे अच्छा कनेक्ट करेंगे. हाई ट्रस्ट है ना, तो आप उन पर अच्छा जिसका उनसे कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो क्रेडिबल है, उनके ट्रस्ट लेवल आपसे ज्यादा है. आप हर बात अपनी घर की, हर प्रॉब्लम ऑफिस की, एचआर की डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, और जिनसे लो है नहीं डिस्कस करेंगे, हिचकिचाएंगे. ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, बहुत ज्यादा होता है ये. एज टाइम गोज बाय द वे पीपल लिव आउटवेट द वर्ड्स दे यूज, क्रेडिबल में ये चीज आता है. जैसे जैसे टाइम फ्लाई होता है, गुजरता है, जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता है, तो क्या होता है, पीपल जब आप शुरू से जो बातें कहते हैं वो चीजें नहीं होती, जैसी वो लाइफ जी रहे हैं या जैसा बर्ताव आपसे कर रहे हैं, वो ज्यादा जो है वो आउटवेट कर जाता है उनके वर्ड्स को जो वो कह रहे हैं. कैसा उनका बर्ताव है, किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं वो, और ये ना कि वो हर वक्त जो अगर कोई है कि हर वक्त वो कोई मैनेजर है हर वक्त मीटिंग में, मॉर्निंग मीटिंग में बोलते रहे, वो सब बोलेंगे भाई आप खुद क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, आप खुद कैसी जो है वो हमारे लिए एग्जाम्पल है, ये सब चीजें देखी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेज क्रेडिबिलिटी वॉट इंडोज इन अ लीडर और कम्युनिकेटर ओवर टाइम. अच्छा, कौन सी ऐसी वेज है कि आप अच्छे क्रेडिबल कम्युनिकेटर बन सकते हैं, वो जो है वो बताई जा रही है. वो क्या है, यू आर योर मैसेज. बेसिकली जो आप कर रहे हैं वो अपना मैसेज दुनिया को दे रहे हैं, चाहे वो आप अपने वर्क प्लेस में हो, चाहे अपने घर में हो, जैसी आप मैसेज का मतलब हैबिट्स जो आपकी, किस तरह की आपकी हैबिट्स है. अब एक जो एम्प्लॉय है वो आता ही जल्दी है, वो तो सारी बात उसको सब पसंद करेंगे, और एक है जो सबसे लेट आते हैं, लेकिन अब वो आके जो है वो अपनी टीम को बोल रहे हैं आप भी सब जल्दी आया करो, तो खुद क्या मैसेज दे रहे हैं, बेसिकली वो कर ही नहीं रहे और वो मैसेज नेगेटिव दे रहे हैं. तो यही बात ये कहाँ कर रहे हैं, व्हाट इज द मैसेज यू आर कम्युनिकेटिंग इन यूर लाइफ टूडे. नेक्स्ट, इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद पीपल यू मस्ट बिकम द काइंड ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद. क्या अगर आप पीपल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यू मस्ट बिकम द काइंड ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू कनेक्ट. आपने इस तरीके का पर्सन बनना है जिसको आप, जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको 8 तरीके बताए गए हैं कि आप क्या चीजें करें जिससे आप अच्छे कनेक्टर बन जाए और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है. 8 सजेशन फॉर लिविंग अ बेटर मैसेज. नंबर 1, कनेक्ट विद यूर सेल्फ. हाउ कंफर्टेबल आर विद यू यूर सेल्फ. सवाल पूछते हैं कि आप अपने आप से सबसे पहले कितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं, पहले आप ये देखिए कितने सेल्फ अवेयर हैं. इसके लिए 2 स्टेप्स हैं, देयर आर 2 स्टेप टू कनेक्ट विद आवर सेल्फ. फर्स्ट वी नीड टू बिकम सेल्फ अवेयर, कि हम अपने आप से अवेयर हैं कि हमारी अच्छाइयां बुराइयां जितनी भी अवेयरनेस है, खुद भी होता है ना, खुद भी बात करें अपनी जो बुराइयां उनको जाने, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें. सेकेंड, वी नीड टू लाइक अवर सेल्फ थ्रू सेल्फ टॉक. अच्छा, कहने अपने आप को भी पसंद करना चाहिए, जैसे होता है ना कि आप ये ना हो कि हर बात में नेगेटिव अपने आप को जाने और अपने आप को पसंद करें और अपनी सेल्फ टॉक की आदत बनाएं. नंबर 1 चीज इसने बताई. नंबर 2, राइट योर रॉन्ग्स, सही करें अपनी गलत चीजों को, जो मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल है. एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स, आप लोगों की क्या मिस्टेक्स है उसको एक्नॉलेज करें. यही सबसे मुश्किल होता है कि हम एक तो दूसरों के सामने भी नहीं मानते और अपने सामने भी हम वो मिस्टेक अकेले में भी मानने को तैयार नहीं होते. आप सब इस बात से एग्री करेंगे, आप लोग एग्री करते हैं तो प्लीज जरा सा हाथ उठाएं. बिल्कुल बिल्कुल, तो ये होता है कि हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो यही करते हैं. राइट योर रॉन्ग्स, हम ये करना ही नहीं चाहते, हम एक्नॉलेज अपनी मिस्टेक्स ही करना चाहते, दूसरों के सामने तो छोड़ते अपने आप के सामने भी नहीं करना चाहते. अपोलोजाइज, माफी मांगे. अभी तो मैं चले दूसरों के सामने मैं आपको नहीं कहती, अपने सामने एक बंदा कहता है ठीक है यार मेरी गलती थी, अब मैं आगे कोशिश करूंगी अच्छी चीजें करने की, चाहे मैमूना हो, चाहे अली रजा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सज्जाद हो,
आप खुद नोट कीजिएगा, आप एक पेपर पे लिखिए दूसरों के सामने, सबसे पहले आप अपनी देख लें, हाँ भाई ठीक है ये मेरी आदत है कि मैं लेट, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी घड़ी जो है वो अलार्म की बंद कर देता हूँ, मास मीडिया बंद कर देती हूँ और मैं लेट उठती हूँ, तो ये एक मिस्टेक्स है, हम सब की, मैं भी करती हूँ, हम इतनी मिस्टेक्स को जो है वो लिखते ही नहीं है, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते, फिर एक अपोलोजाइज हमारा एक माफी मांगने वाला रवैया भी नहीं होता, हम ये तो आसान है, ये तो किसी किसी को भी नहीं पता, हमें पता, लेकिन हम ये नहीं करते, फिर यही बात लिखी है मेक अमेंडमेंट्स, चेंजिंग कर लें, उस चीज को सही कर लें, पहले आप उसको माने, फिर उसको उस पर अपने आप से माफी मांगे, उस चीज को खत्म करें, चेंज करें, तो आपकी जो राइट, जो आपकी रॉन्ग्स है वो राइट हो जाएंगी, लेकिन हमारी ये सबसे जो है वो खराब आदत नहीं करते। इज देयर एनीथिंग यू नीड टू मेक राइट टुडे, यू आर व्हाट आर यू गोइंग टू डू मेक अमेंडमेंट्स, अगर आप आज ही अपनी कोई चीज ठीक करना चाहते हैं तो कौन सी चेंजेस हैं जो आप करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि ये आप तीनों चीजें जरूर करें और पेपर पे लिखें क्या करना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करें, उस पर खुद अपने आप से माफी मांगे और अपनी जो अमेंडमेंट्स है, जो चेंजेस है वो लिख लें और वो करें। जैसे मैंने घड़ी की एग्जाम्पल दी कि हम बंद करके दोबारा सो जाते हैं और ये हमारी आदत कितनी पुरानी हो चुकी है, ऑब्वियसली बहुत लोगों की होगी, ऐसे उसको हमें सही करना चाहिए। नंबर थ्री, इसने बी अकाउंटेबल, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स यू कैन गिव टू अदर पर्सन इज आई कैन अकाउंट, अच्छा अकाउंटेबल हो जाए आपके लिए, ठीक है। फिर उसमें एक एग्जाम्पल दिए, वन ऑफ द कोई कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा आप दूसरे को दे सकते हैं, आई कैन काउंट ऑन यू, यानी कि मैं आपको शुमार करता हूँ या शामिल करता हूँ। इसमें इसकी एग्जाम्पल ही बता रहे हैं कि अकाउंटेबल के लिहाज से, वैन यू मेक अ कमिटमेंट यू क्रिएट होप, अच्छा किसी से आप अगर कमिटमेंट करते हैं या अपने आप से करते हैं तो आप एक होप, एक उम्मीद क्रिएट कर रहे हैं। वैन यू कीप अ कमिटमेंट यू क्रिएट ट्रस्ट, अपने आप से और दूसरों से, दोनों के लिए होगा ये। अकाउंटेबल कैसे होंगे आप, कोई छोटी सी कमिटमेंट किसी से करें, उससे आपने होप क्रिएट की, उस होप से जो है कमिटमेंट हुई और फिर यू ट्रस्ट आपका बिल्ड हो गया। पॉज फॉर अ मोमेंट, डिड यू मेक अ कमिटमेंट डेट यू हैव येट टू फुलफिल, व्हाट स्टेप यू नीड टू टेक, अच्छा एक मिनट कह रहे हैं, एक मिनट के लिए रुके, कौन सी कमिटमेंट है जो आपने फुलफिल, मतलब जो आपने पूरी करनी है, और कौन से स्टेप्स हैं जो आप उस कमिटमेंट को पूरी करने के लिए कर सकते हैं, उसको आप लिखें, आप लोगों को मैं ये कहूंगी। नंबर फोर इज लीड द वे यू लिव, लीड ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीड द वे यू लिव, उसी चीज को दूसरों पे लीड करें जिस तरीके के आप खुद जीते हैं या खुद हैं, ये ना हो कि आप जो है वो एक नॉर्मल सी पर्सनैलिटी और एग्जाम्पल जो है वो आज ही आप, जैसे सर ने कहा आप मार्क ज़करबर्ग की दे रहे हैं, पहले आप अपने आप को, पहले वो चीज़ आप अपने अंदर लाएं, अपनी वो हैबिट्स लाएं, जैसे कहते हैं ना कामयाब लोगों की बातें अपने अंदर, और फिर वो चीज़ें दूसरों में ट्रांसफर के लिए लीड करें या उनको बताएं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करें, व्हाट मेक्स यू लीड द वे यू लिव, क्या ऐसी चीज़ है जो आप लीड कर सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि आप दूसरों को लीड कर सकते हैं लेकिन आप पहले खुद उसको इम्प्लीमेंट करें। Are there similarities and differences? What make you live the way you lead? वही बात, क्या ऐसी चीज है जो आप दूसरों को लीड कर सकते हैं लेकिन आप में वो मौजूद है, सोचें क्या आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आप में भी मौजूद है, बनानी नहीं है, पैदा नहीं करनी, और फिर आप दूसरों को लीड कैसे करेंगे, उनको जारी, उनको एज अ स्पीकर, उनको एज अ टीम लीडर, उनको उस चीज की जो है वो चीजें बताएंगे और उनको उसका लेक्चर देंगे या उसकी स्पीच करेंगे और फिर आप लीड करेंगे और लोगों में वो आदत पैदा हो जाए। अब आपने ये सोचनी है क्या चीज है, अच्छा व्हाट मेक्स यू लिव्ड, अच्छा एक और चीज कि क्या ऐसी चीज आपने पैदा करनी है, एक तो आपके अंदर मौजूद है वो लीड करनी है और एक आपने वो हैबिट जो पैदा करनी है और फिर आप वो लीड करेंगे, दोनों प्लान कर लेंगे, दोनों चीजें जो आप प्लान कर लें, दोनों आदतें, तो फिर जो है वो लीड द वे यू लिव आपका हो जाएगा। टेल द ट्रुथ नंबर फाइव है, जो आपको पांच आठ चीजें उसमें, टेल द ट्रुथ यानी आपने हमेशा सच बोलना है, सच बोलना है। व्हाट हैपेंड व्हेन यू मेस अप, बहुत अच्छी बात है, गहरी बात, खूबसूरत बात है, आपने कोई चीज बहुत गलत कर दी है तो डोंट कवर अप, उसको कवर अप नहीं करें, उसको छुपाएं नहीं, यू फर्स्ट फेस अप टू योर मिस्टेक, यानी आप उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें, हाँ भाई ये मेरी मिस्टेक है, कभी भी उसको छुपाए नहीं, चाहे अपने आप से सबके सामने भी ठीक है मेरी मिस्टेक है मैं सही कर लूंगी, तो आप क्या होंगे सच्चे हो जाएंगे, जब आप सच्चे हो जाएंगे तो आपको इनर एक कॉन्फिडेंस जो आ जाएगा। तो कह रहे टू बी पर्सिस्टेंट यू मस्ट बी बिलीवेबल, यू मस्ट बी क्रेडिबल, अच्छा अगर आप अपने आप
पर बिलीव करना चाहते हैं तो आप क्रेडिबल हो. क्रेडिबल कैसे होंगे? जब आप सच्चे होंगे. टू बी क्रेडिबल यू मस्ट बी ट्रूथफुल. ये एडवर्ड मोरो का जो है कॉल है. क्रेडिबल आप कैसे होंगे? जब आप सच्चे होंगे. और सच्चे आप कैसे होंगे? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम जब मिस्टेक्स करते हैं तो हम दूसरे से छुपाते हैं, तो ये झूठी है. दूसरे से छुपाते हैं और फिर ज़ाहिर है उसमें सच्चे तो नहीं होते. हम उस चीज़ को छुपाने के लिए, एक चीज़ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलते हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है क्या क्या हम करते हैं. तो उसमें यही बात कह रहे हैं कि आप उसको कवर ना करें, बता दें सब कि ये मिस्टेक होगी, ठीक है अब मैं नेक्स्ट स्टेप सीखूंगा. नंबर सिक्स, सर ने जो बताया डू वल्नरेबल, यही बात जो सर ने बताई है ये कर चुके हैं. स्टेइंग वल्नरेबल इज अ रिस्क वी हैव टू टेक इफ वी वांट टू एक्सपीरियंस कनेक्शन. यानी हमें वल्नरेबल बनना पड़ेगा, वल्नरेबल कि हम अगर हम कनेक्शन चाहते हैं. बेरी ब्राउन का है ये, तो हमें वल्नरेबल एक जो है वो बनना पड़ेगा, तभी हम जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे. नंबर सेवन, फॉलो द गोल्डन रूल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है. फॉलो द गोल्डन रूल, यू नीड टू ट्रीट देम एज यू वांट टू बी ट्रीटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं कि लोगों को आप वैसा ट्रीट करें जैसे आप खुद समझते हैं अगर आप उस जगह पे होते तो मैं ट्रीट होता या मैं ट्रीट होती. गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल. कि आपका चौकीदार है आप. हम लोग कैसे कभी कभी गुस्से में किसी से, मुझ समेत किसी भी अपने से छोटे, चाहे वो हमारी मेड हो, बोल जाते हैं अगर हम एक्सेप्ट करें ही ना करें, ठीक है. लेकिन कभी कभी होता है. लेकिन हम फिर जब मैं हम अपनी जगह उस शख्स की जगह अपने को रोके रखें और फिर हम सोचें कि हम उससे किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या वो फील कर रहा होगा. अगर मैं होती इतनी गर्मी में आती चल के तो मैं आती, तो फिर अगर काम ज़्यादा होता मेरा एक्सप्रेशन क्या होता, मेट का हम सोचें. लेकिन हम ये गोल्डन रूल है, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आप बेहतर लोगों की जो है वो अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं कम्युनिकेट, तो ये बहुत ही गोल्डन रूल है. अगर आप, मैंने किसी से काम कराना है तो मैं ही उस टाइम सोचूं कि इसकी सिचुएशन जो है मुझ पर भी आ सकती है, तो मैं अच्छी तरीके से उसको वो बात बता सकूंगी अगर आप मैनेजर हैं, लीडर हैं. नंबर एट, डिलीवर रिजल्ट. इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड द काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी दैट कनेक्ट्स विद पीपल देन डिलीवर रिजल्ट बिफोर यू डिलीवर द मैसेज. कुछ कहने से पहले डिलीवर रिजल्ट बहुत ज़रूरी है. क्या आप जो काम कर रहे हैं कहीं पे भी, अगर आप टीचर हैं या कोई आपकी टीम है, मैनेजर है, तो आपको रिजल्ट भी देना है. ना कि ये ना आप रिजल्ट आना रहे हो, सेल आपकी होनी नहीं और अब मैस मीटिंग पे मीटिंग बुला के जो है वो दूसरों को भी मैसेज में ये कर लो वो कर लो. रिजल्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? पहले आप रिजल्ट दें और फिर मैसेज दें, तो वो बहुत ज़्यादा गहरा असर करता है. ये हम सबको पता है. प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल ऐसे दूं कि अगर कोई स्पीकर टेड टॉक में कुछ, अगर उस पर बीती होती है, उसने कुछ सहा होता है, रिजल्ट या कुछ अचीवमेंट की होती है, जब वो बोलता है तो कितनी असरअंदाज होती है, उसका मैसेज कितना असर कर रहा होता सब. मुनीबा मजारी जो चीज़ें गुजरी थी उसने फिर अचीवमेंट्स की, उसने रिजल्ट प्रोड्यूस करे, फिर आके उसने मैसेज दिया ना. ना कि एक बंदा आपने कुछ किया नहीं आके बोलना शुरू हो जाए, कोई उसकी किसी बात में कोई असर नहीं. उसके बाद ये मैं क्वेश्चन आपसे एंड में करूंगी. इसमें एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया हुआ है. उसके बाद है क्रेडिबिलिटी कनेक्ट्स. टू बी सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन यू नीड टू डू मोर देन कनेक्ट. यू नीड टू कीप कनेक्टिंग एंड यू कैन डू डैट ओनली व्हेन यू लिव व्हाट यू कम्युनिकेट. वही बात है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेटर वही होता है यू व्हेन यू लिव व्हाट यू कम्युनिकेट. आपने जो कम्युनिकेशन जो आपने किसी को बताना है वो आदतें अपने अंदर पैदा करनी है. यही मैंने आपको बोला है कि और दो जो बातें पहले मैंने बताई कि वो कौन सी वो आदत है जो मौजूद है जो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों में और कौन सी आपको लानी है, यह भी सोच लीजिए इस सेशन के दौरान. आप सबसे मैं ही कहूँगी. नेक्स्ट इसकी आते हैं, उसके बाद जो इसके हैं कनेक्टिंग प्रेस जो प्रैक्टिस, अगर हम उसकी समरी करें तो कनेक्टर्स लिव व्हाट दे कम्युनिकेट, तभी ही वो क्रेडिबल होंगे, तभी यू ट्रस्टवर्दी होंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? द ओनली वे टू कीप कनेक्टिंग विद पीपल इज टू लिव व्हाट यू कम्युनिकेट. वही आदतें जो आप लिव कर रहे हैं, जिसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, वही आप लोगों को बताएं. जैसे मैंने मुनीबा मजारी की आपको एग्जाम्पल दिया. फिर वही है कनेक्टिंग वन टू वन के हैं, वन ऑन वन के हैं. मोर देन 90% ऑफ कनेक्टिंग अकर्स वन ऑन वन. ठीक है, 90% सही बात है. कनेक्टिंग हमारी होती है हम जो एक दूसरे से बात करते हैं. डज योर कनेक्टर एम्फसाइज व्हाट यू से और डज इट undermine it? कि आपका character जो आप कह रहे हैं उसको उसकी अकासी भी कर रहा है या नहीं कर रहा. वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव. वन वन में कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जब वन वन आप कनेक्ट करें तो आप वेयर यू
किस चीज पे, किस शख्सियत पे, किस पहलू पे आपको काम करना है, जहाँ आपको इम्प्रूव, जो मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया, करना चाहिए. कनेक्टिंग ए ग्रुप में आर यू डूइंग व्हाट यू आस्क अदर टू डू, यही बात जो आप दूसरों को करने को कह रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सोचें. आप ग्रुप को कैसे माइल करेंगे उस बात पे जो हम खुद नहीं करते, जो मैंने आपको पहले भी बताया, असर नहीं करेगी वो बात, वो अंदर से पैशन ही नहीं आ रहा होता जितनी भी हम कोशिश कर लें. कनेक्टिंग ए ग्रुप कैन पीपल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस एंड योर विलिंगनेस टू पुट द टीम फर्स्ट. अच्छा, ये कह रहे हैं मैनेजर की परफॉर्मेंस पे, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, परफॉर्मेंस पे और विलिंगनेस पे डिपेंड करता है टीम. टीम पहले ये सोचती है ना, भाई हमारा मैनेजर जो हमें बता रहा है या हमारा जो लीडर है वो, उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, हम उसको फॉलो करें, उसको रोल मॉडल करें, क्या उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, ये ऑब्वियसली देखा जाता है. कनेक्टिंग विद द ऑडियंस में पीपल आर द मोस्ट टेम्पटेड टू टेक करेक्टर शॉर्टकट्स व्हेन दे कम्युनिकेट टू देयर ऑडियंस बिकॉज देयर लिसनर डोंट नो देम पर्सनली. अच्छा, ऑडियंस में क्या कह रहे हैं, पीपल जो है शॉर्टकट्स, मतलब एक करेक्टर अपने ऊपर जो है वो कर लेते हैं, तारी कर लेते हैं, यूजली ऐसा होता है, जो वो बेसिकली नहीं होते. क्यों? क्योंकि लिसनर्स को नहीं पता जो स्पीकर अब बैठा है 500 बंदों के सामने वो कौन है क्या है. तो क्या कह रहे हैं, बी वल्नरेबल विद पीपल, लेट देम नो यू आर रियली, कह रहे हैं अगर आप ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके सामने तो आप उनको बताएं कि आप ओरिजिनली क्या है. जैसे मैंने कहा जो आप करते हैं वही बताएं ऑडियंस को, वो ना बताएं जो आप, ये पहले कह रहे हैं कि आप करेक्टर अपने ऊपर कोई तारी ना कर लें जो आप है नहीं, बेसिकली जो आप ओरिजिनल है वही बोले तो बहुत ज्यादा असर करेगा जो आप करते हैं, जो आप ओरिजिनल हैं. अब मैं आप सब से एक क्वेश्चन करूंगी, व्हाट हैव बीन योर ग्रेटेस्ट टेक अवे फ्रॉम बी. अच्छा ये तो ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं आपके लिए रखा था मैं आपसे करूंगी और फिर आप लोग मुझे बताएगा कि आप लोगों को कैसा लगा. आई होप कि सब क्लियर होगा आप लोग के लिए. कि मैंने अभी जो पूछा इन दो जो मैंने शेयर द टाइम डिलीवर. अच्छा, कि आप अपना कोई ऐसा मुझसे शेयर करें कि आपने कब रिजल्ट डिलीवर किया ग्रेट मैसेज के थ्रू, यानी आपने किस अपनी आदत से रिजल्ट डिलीवर आप कर चुके हैं, प्लीज आप ये मुझे शेयर करें. और फिर मैं आप ये भी प्लीज बता दें कि दो मैंने जो प्रिंसिपल बताए इससे आपने क्या सीखा. जी अली, बताएंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. एक चीज़ जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया और काफ़ी सारी चीज़ें हम अपनी कम्युनिकेशन में जो हम रिज़ल्ट देना चाहेंगे तो उससे पहले हम वो चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर होते हैं. हम इस तरह, मुझे छुट्टियां चाहिए ऑफिस से तो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो भैया मैं छुट्टियों का हकदार भी हूँ उस तरह का. तो इट्स समथिंग के वो चीज़ों के लिए आप रिज़ल्ट दे रहे हो तो भी आपको वो चीज़ें फेवर भी आपको मिलेगी. इस तरह इज अ वन ऑफ द एग्जांपल. मैं मुना आप बताएं आपको दोनों से जो है वो क्या समझ में आया और क्या आप जो है वो समझते हैं, कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में, फिर बस ओवर करूंगी सर को. मुना जी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. मेरी इंटरनेट की कनेक्टिविटी को खास इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मैं बिट्स एंड पीसेस में इसको समझ सकी, लेकिन जो है वो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया. जी सज्जाद जी, इसमें जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये सामने आई है कि जो आपका कैरेक्टर है वो बड़ा मैटर कर रहा है. अगर आप जो है वो अपना जो आप होते हैं वो नहीं कर रहे तो वो फिर किसी को इम्प्रेस भी नहीं कर पाएंगे, आप कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे. तो जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो पहले आप होंगे तभी वो मैसेज किसी को ट्रांसफ़र होगा, और ये चीज़ है इसमें ज़्यादा मैटर कर रही है. बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर लगेगा भी, नेचुरल भी लगेगा और आप उसके लिए कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाएंगे जब आप बेसिकली खुद हैं. जी खलीक साहब, फिर आप रिजवान आप बता दीजिए थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, फिर उसके बाद मैं सर को जो है. ज़बरदस्त जैनब, ज़बरदस्त आपने बड़ी डिटेल में बताया, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि और ये सॉलिडिफाई जो आपने किया इसको मैं समझता हूँ
कि लोगों को हर चीज पता है, इंफॉर्मेशन हर एक के पास है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज और एक्सपर्टीज विद एंथुजियाज्म देखना चाहते हैं, और जैसे ही आपने जो पढ़ा है जो समझा है वो लोगों को अपने नजरिए से बताते हैं, लोगों के दिलों में वो घर कर जाती है। तो आपने ये बड़े अच्छे तरीके से ये बात बताई कि हाउ टू शो योर एंथुजियाज्म, योर नॉलेज, योर एक्सपर्टीज। और डॉक्टर साहब ने सेल्स के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त वो बताया कि जैसे आप एंथुजियाज्म ट्रांसफर करते हैं तो दैट्स हाउ यू मेक सेल्स। डॉक्टर साहब से सवाल मेरा था, मैंने वो इसमें किया भी था, ये अक्सर हमसे भी पूछते हैं कि हाउ टू एक्चुअली नो व्हाट ऑडियंस फील। ये बड़ा एक होता है मुश्किल हमेशा से, कि मैं तो अपनी एंथुजियाज्म से कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखूँ कि ऑडियंस कैसे फील कर रही है, मैं कैसे ये जांचूँ, कैसे ये नापूँ। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, पहले कोई और अपना दे रहा है व्यू, फिर मैं आ रहा हूँ। ताकि फलीक साहब रह गए, फिर आ जाए। जी फलीक साहब, आप बताएं, ये जो इंस्पायर मैंने समझाया इसका आप बता दें। जी बोल। मैं ये समझता हूँ कि इंसान को अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए। वो जिस तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएगा तो उससे लोगों का एतमाद अच्छी तरीके से हासिल कर सकेगा और वो अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकेगा। तो क्रेडिबिलिटी, उन तमाम चीज़ों के साथ क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हर मामले के अंदर हर चीज़ में क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इन तमाम बातों के अलावा जो आप बातें जो आपने बताई उनके साथ साथ ये क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जी मौजम, लास्ट है क्या मौजम? चलें जी, बहुत खूबसूरत आपने डिफाइन किया ये आखिरी जो प्रैक्टिस है कम्युनिकेशन की, बहुत अच्छी तरह से आपने डिफाइन किया, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक स्टेज आगे लेके चलता हूँ। मैं अब उस छोटी छोटी जो आप पहले हमें चूँकि बता चुकी हैं, मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा ताकि खामखा लोगों का वक्त भी ज़ाया ना हो और हम असल मकसद की तरफ आएँ। तो जैसे आपने गोल्डन रूल, जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए टेक अवे तो यह है कि गोल्डन रूल उसको, वो दुनिया में एक यूनिवर्सल है, किसी भी मुल्क में, किसी भी कल्चर में वो रूल, और किसी भी मज़हब में भी वो रूल वही कि जैसा आप अपने आप को ट्रीट कराना चाहते हैं वैसे ही दूसरों को ट्रीट कीजिए, ठीक है ना। तो ये तो है गोल्डन रूल। अब पहले मैं आता हूँ रिजवान भाई के सवाल की तरफ और फिर मैं इसे रैप अप करूँगा। तो जैसे रिजवान भाई ने ये बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि हमें कैसे पता चले कि ऑडियंस कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर रिजवान भाई, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी ज़ाती ऑब्जर्वेशन भी होती है एज ए मेच्योर स्पीकर, ठीक है, हमें फीलिंग्स का पता चलता है, लेकिन कभी कभी जो है वो ऑडियंस का अपना एक मिजाज भी होता है। मसलन अब मुझे याद है मैं हांगकांग में था तो वहाँ पे मैंने एक स्पीच दी और मैंने कुछ चार या पांच बड़े खूबसूरत लतीफ़े सुनाए थे, तो मैं समझ रहा था बड़ा कहका लगेगा, ठीक है, मगर वो कोई हंस नहीं, मतलब किसी ने कहका नहीं लगाया। तो मैं बड़ा बना कहा यार ये तो मैं सारा ह्यूमर लेकर जो आया था वो तो फेल हो गया यार, लोगों की समझ में ही कुछ नहीं आया। खैर वो जब तकरीर करके मैं उतरा अपना स्पीच दे के नीचे आया, कॉफ़ी पी रहा था, तो जो उनका ऑर्गेनाइज़र और उनके साथ दो तीन और आए, कहने लगा यार यू आर सो फनी। मैंने कहा क्या? मैंने कहा एक भी तो हंसा नहीं। बोला साहब हमारे यहाँ मेहमान पे हंसना जो बुरी बात समझा जाता है, तो कभी कभी इस चक्कर में ही लोग नहीं हंसते कि यार मेहमान बुरा ना मान जाए। तो ये भी है कि हम किस जगह और किन लोगों से मुखातिब हैं, किस एतबार से। रह गई बात है कि एक देखें इंट्यूशन और गट फीलिंग बहुत होती है स्पीकर के पास, सबसे ज़्यादा होती है। आपको बता दूं मैं, एक अच्छा स्पीकर चूंकि वो फिफ्थ सेंस से आगे होता है, सिक्स सेंस वाला बंदा होता है ना, तभी तो स्पीकर बनता है, क्योंकि वो चीज़ देख रहा है जो लोग नहीं देख रहे, वो चीज़ सोच रहा है जो लोग नहीं सोच रहे, तभी तो उसको बुलाया गया है, क्योंकि उनको विजन और उनका मिशन और उनकी तमाम जो है ना उसको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। तो वो उसकी इंट्यूशन एक तो बताने लगती है कि लोग बोर हो रहे हैं या वाकई, लेकिन ये कि आप अगर अच्छे स्पीकर हैं तो आप ऑडियंस को लेके चलते हैं। देखें ना, आपने खुद टीच किया है अपनी क्लासेस में रिजवान भाई, कि हर 7-8-10 मिनट के बाद कॉल टू एक्शन टाइप की कोई चीज़ करनी पड़ती है, चाहे आप यही कह दें कि ज़रा बाईं तरफ देख के उसको बताएं कि
तुम्हें सीखना चाहिए ये करना, कुछ भी क्वेश्चन कर लें, या फिर आपने कोई ऐसी चीज कही कि हाथ उठाएं, जैसे अभी ज़ैनब ने कहा कि रेज योर हैंड हुज एग्रीड विद मी, तो वो उससे पता चल रहा था कि लोग सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे, सबने हाथ उठा दिया ना, तो या इट मीन्स दे आर विद यू। अब रह गई कि मौजू पे, अगर मौजू आपने वो चुना है जो लोगों की शायद डिमांड ना हो, जैसे हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, आप चले जाएं किसी सेमिनार में, वो बताया जा रहा होता है कि जी वो डिजिटल मार्केटिंग पे सेमिनार हो रहा है, और वहाँ वो जो है वनस्पति घी बेचना शुरू कर देते हैं, अरे भाई ये हमारे, हम इसलिए थोड़ी आए थे, अगर वो कहते हैं जी ये भी तो बेचना ही है ना, तो मतलब ये कि लोग दिखाते कुछ हैं सुनाते कुछ हैं, ऐसा ना करें। यू हैव टू डू व्हाट यू वांट, आई मीन यू आर रियली वांट टू डू। अब इस पूरे चैप्टर को मैं आखिर में इस तरह समराइज कर देता हूँ, और इसके बाद मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं रहती इसको मजीद में उसकी तफसील या तफसीर करूं, कि इस दुनिया में जो दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेटर भेजा गया, अगर आपको याद हो, जाहिर है आप सबका ईमान है उन पे, तो याद होने का तो मसला ही कोई नहीं, वो दुनिया का जो सबसे बड़ा कम्युनिकेटर क्या था और उसने क्या किया इस दुनिया में आके, सिर्फ आप उसको फॉलो कर लें, आप सबसे बड़े दुनिया के कम्युनिकेटर खुद बन जाएंगे, इसलिए कि उसने 40 साल पहले रियाजत की, इबादत की, फिर दावा नबूवत किया, ये याद रखिए। तो ही लिव्ड व्हाट एवर ही कम्युनिकेटेड। लोग जब उसने कहा कि लोगों सुनो, उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक लश्कर खड़ा है, तो क्या तुम मान लोगे, उन्होंने कहा हुजूर आपने कभी झूठ बोला ही नहीं, आपने कभी गलत बयानी की ही नहीं, हम कैसे ना माने। तो वो कम्युनिकेटर, उससे पहले बड़े बड़े कम्युनिकेटर भी आके गुजरे हैं, जिनको हम कहते हैं तारीख में, चाहे वो मोसेस हो, बुद्धा हो, ये हो, लेकिन आज उसके कम्युनिकेशन के नतीजे में 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उससे बड़ा कोई कम्युनिकेटर नहीं कोई हो सकता है। तो अब उस कम्युनिकेटर ने भी आखिरी यही प्रैक्टिस की है ना, यू लिव व्हाट यू से। आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते जब आप वो लाइफ ही नहीं गुजार रहे हो। लोग, मैंने पहले भी कई बार कहा और अब भी कह रहा हूं कि लोग दे सी थ्रू यू, दे डोंट लिसन यू, दे डोंट केयर अबाउट योर वर्ड्स। ठीक है, हम गोयटे की शायरी तो बहुत अच्छे मजे से इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अपना इमाम तो नहीं मानेंगे। ठीक है, हम आप बड़े से बड़े जो राइटर दुनिया में गुजरे हैं, चाहे वो खलील जिब्रान हो, ये हो, वो सबके हम पढ़ते हैं ना, उनके कोट्स, रूमी को भी हम पढ़ते हैं, दुनिया के बड़े बड़े, लेकिन हम उन्हें इमाम अपना नहीं मानते। क्यों? कि वो एक तहरीर की हद तक था, ये बाकायदा अमली जिंदगी में थे, हर चीज जो उन्होंने कही इधर से उधर एक चीज का फर्क दिखा दे कोई तो फिर हम मानेंगे। तो आप उस कम्युनिकेटर को सिर्फ फॉलो कर लीजिए, उसके उसूलों को फॉलो कर लीजिए, उस पर आप सबका ईमान भी है, मेरा भी ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका ईमान है, तो हमें किसी और को क्या देखने की जरूरत है। जरा गौर कीजिए, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं सिखाई इस प्रैक्टिस में कि मुझे सोचना पड़े 10 बार कि यार मैं ये कर लू, सेल्फ अवेयर हो जाऊं। ओ बाबा, आपने वही करना है जो आप जी रहे हैं, लेकिन आप जिए उस तरह से जैसा आपको बताया गया है। ठीक है, आप वो सब दुरुस्त कर ले, कम्युनिकेशन खुद ब खुद झलकना शुरू हो जाएगी। आप बगैर जुबान से लफ्ज निकाले भी कम्युनिकेट कर रहे होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी उठना बैठना, चलना, खाना पीना, सोना रहना, हर चीज बता रहा होगा चीख चीख कर लोगों को कि व्हाट दे हैव टू कनेक्ट विद, और वो आपसे कनेक्ट होकर चले जाएंगे। तो मैं इसी पर इसको एंड करूंगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई मेरे नजदीक मिसाल नहीं है, और उसके बाद मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके साथ ही मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ज़ैनब का, ये उनका बहुत पहला तजर्बा था, तो सबसे पहले ए बिग राउंड ऑफ अप्लाज फॉर हर, बहुत शानदार किया उन्होंने ये पूरा माइंड ग्रुप, और आई एम रियली थैंकफुल टू हर, और मुझे उम्मीद है आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से ये सफ़र शुरू होता है। ठीक है, अभी तो हमने कम्युनिकेशन के रमूज व असरार की सिर्फ बातें की हैं, अब हम इसे जिएंगे कैसे। ठीक है, ये भी तो एक अमल है ना, जिससे हमें गुजर के ही कनेक्टर बनना होगा, तो वो हमें अभी मजीद आगे उसको स्टडी भी करना होगा, और एक दूसरे के अकाउंटेबल बनाना होगा एक दूसरे से,
ठीक है, ताकि हम एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस भी करें एज ए टीम में, और उससे आगे जैसे मैं समझता हूँ कि जो लोग सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, कम्युनिकेशन के मजीद जैसे अब पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहते हैं, तो आप लोग मजीद जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अब उन सब में भी ज्वाइन करें। अब रिजवान भाई के अपने प्रोग्राम आ रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से और सेल्स के, आप उसे बिल्कुल ज्वाइन करें। मैं पब्लिक स्पीकर्स क्लब का आगाज करने वाला हूं, ज़ैनब आने वाले दिनों में सेल्स पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू करने जा रही हैं, और सज्जाद भाई पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बातें करने जा रहे हैं माशाल्लाह बड़ी, और हमारी नन अदर देन मेमुना जो है वो आपको बताएंगी कि नेपोलियन हिल से ज़्यादा बेहतर तरीके से कि आपको अमीर कैसे बनना है इंशाल्लाह। तो हम ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें फिर हम ये जो आज सीखा है हमने इन पिछले 5 हफ्तों में, इसको हम अप्लाई करेंगे ताकि हमारा ये सफ़र जारी सारी रहे और हम सब खुशहाली की तरफ गामजन हों। उसके साथ ही मैं चाहूँगा कि अब आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कीजिए ताकि फिर हम इस प्रोग्राम जी सॉरी मेरा उस टाइम मेरी आवाज़ आ रही है जी जी आ रही है, उस टाइम मेरा माइक का थोड़ा इशू बन गया था। तो उन्होंने जो क्वेश्चन किया था कि एज पॉपुलर स्पीकर जब आप ऑडियंस को कुछ चीज़ गाइड कर रहे हो, सबसे पहले अपनी सक्सेस स्टोरी बनानी है, सक्सेस स्टोरी बनाने के बाद आप अपनी जो ऑडियंस को कोई बात कम्युनिकेट करें ताकि वो ज़्यादा असर करेगी, रेदर देन कि आप के अंदर वो स्किल्स हो ना और आप ऑडियंस को तलकीन करें कि भाई ये वाले काम आपने करने ताकि कामयाबी मिले। आपको कामयाबी का मैसेज या पैगाम देने से पहले खुद कामयाब बन के ऑडियंस को दिखाना, इस तरह ऑडियंस आपसे कनेक्ट करें। थैंक यू। चलें, कोई सवाल है तो बताइए जरा। रिजवान भाई कोई और सवाल है? डॉक्टर साहब मैं जी जी डॉक्टर साहब अफजल बात कर रहा हूं, तो मैं दो चीजें पूछना। एक तो मैं ये थोड़ा जो मैंने पिछले 4-5 जो है ना लेक्चर वो मिस किए हैं मैंने, तो अभी वो ज़ैनब भी बैठी हैं, आप भी हैं, सजाद भाई भी हैं, मौज़म भी हैं, तो ये जो 4 पिछली रिकॉर्डिंग्स हैं वो शेयर हो सकती हैं? एक तो ये है मेरा जी, और दूसरा ये है कि जो आपने और ज़ैनब ने और आपने जो लास्ट में बात की है, दैट्स रियली अप्रिशिएटेबल, और मैं जो इससे समझा हूँ वो ये है कि एक गुड पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपका फॉलो फेल में उसका तजाद जो है वो आप खत्म कर दें, यानी कि शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट को, और अपनी यानी कि प्रैक्टिकल स्किल जो है उनको इम्प्रूव करके तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन लास्ट में जो आपने एग्जाम्पल दी है कि फॉलो द प्रॉफिट, फॉलो द बेस्ट स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरा जो मैं समझा हूँ मेरे ख्याल में जो थोड़ा इसमें आपका निचोड़ उसका यही है। जी 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 बिल्कुल जी। यही था और मेरा मकसद भी यही था बताने का। चलें, तो बाकी रह गई वो वीडियोस की, तो उसके लिए आप ज़ैनब से करें रब्ता करें, जरूर ज़ैनब आपको वो इंचार्ज हैं वो बताएंगे आपको। ज़ैनब बहन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वो अगर 3-4 जो हैं वो 5 अमेरिका, क्योंकि मैं उनको अपने टाइम पे फिर सुन के उनके फिर मैं नोट्स इंशाल्लाह ताला जो है वो बना लूंगा अपने इंप्लीमेंट के लिए, और जल्द इस पर हम एक इन्हीं मास्टरमाइंड के नतीजे में जो हम सीखे हैं उस पर एक कोर्स भी इंशाल्लाह ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा आपको। जी इंशाल्लाह। सर मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा जो हमारा 4th सेशन हुआ था वो अपलोड नहीं हुआ था। जी वो है, उसको मैं डाउनलोड करा रहा हूँ, वो मेरे पास सेव है कहीं से, वो हाँ वो फेसबुक पे नहीं गया था लाइव इसलिए, लेकिन वो मेरे जूम में है इस वक्त, तो मैं उसको डाउनलोड करा के फिर उसको। और कोई सवाल? अली भाई कोई आपका सवाल? ये जो हमारे पास वर्ड था वैल्यूएबल है क्या वल्नरेबल है, वर्ड क्या एग्जैक्टली ये मुझे कंफ्यूजिंग है। कौन सा वो चीज वल्नरेबल, वल्नरेबल या वैल्यूएबल क्या वर्ड था जो जनाब अक्सर कह रही थी? वल्नरेबल, वल्नरेबल, वल्नरेबल इसका हां एज अ कम्युनिकेटर क्या इसका है रिलेशनशिप, वो चीजें मुझे क्लियर कर दे थोड़ा, मुझे इस वर्ड में थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करने में मुश्किल हुआ थोड़ा। अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट रुकूं क्योंकि मेरे ध्यान में हमने कहां पर उसको इस्तेमाल किया है, मैं भी आपको बता देता हूं। बिल्कुल, आई हैव बी वल्नरेबल। ओके ओके ओके,
ओके ये मतलब लोग असल में क्या होता है कनेक्ट करने की, उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ और वो जो इस किताब में दी गई है, मुझे नहीं पता कि ज़ैनब ने उसको बयान किया है या नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हर चीज़। मसलन जैसे सीईओ होता है कंपनी का, अब वो रीचेबल ही नहीं होता अपने एम्प्लॉइज़ को, तो उसका कनेक्शन क्या होगा अपने एम्प्लॉइज से? कुछ भी नहीं। अब एक सीईओ आता है पिछले दरवाजे से, उसकी अलग ही लिफ्ट है, उसमें ऊपर चढ़ता आखिरी मंजिल पर बैठता है, दो चार वाइस प्रेसिडेंट से सारा दिन इधर उधर अपनी मीटिंगें करता है, चला जाता है, एक आम एम्प्लॉई बेचारा उसको जानता भी नहीं, ठीक है। तो उसका जब वो कम्युनिकेट करने आता भी है अगर उनके जनरल बॉडी मीटिंग में या किसी भी मीटिंग में, तो क्या आप समझते हैं कि एम्प्लॉई उससे कनेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि वो उसे जानते ही नहीं है। लेकिन अगर वही उनके सामने आता जाता रहे, हेलो हाय सिर्फ कर रहा है, ये नहीं कि उनके साथ बैठ के खुश गप्पियाँ करे, मगर फिर वो अगर आता है किसी मीटिंग में तो लोग उसे तवज्जो से सुनेंगे, उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी मतलब ये, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि वल्नरेबल की दो मानी होते हैं, दूसरा लफ्ज है कमजोरी भी कि आप रिस्क भी ले रहे हैं, ठीक है, कि आप इतने वल्नरेबल ना हो कि लोग आपको तवज्जो ही ना दें, क्या भाई यार इसको क्या सुनना है, इसे जो देखते रहते हैं रोजाना, ये भी हो जाता है ना दोनों से। तो यू हैव टू बी क्रेडिबल फर्स्ट, जैसे क्रेडिबिलिटी पे इसीलिए ज्यादा बात की गई, फिर आप के पास कोई ऐसी चीज तो हो ना जो आप उनके सामने बयान करें, सिर्फ बातें ही तो ना कर रहे हो आप उनसे। तो ये है कि आप डिलीवर करें रिजल्ट्स को भी उसके साथ साथ, जैसे उन्होंने बताया, ठीक है, और यू डिलीवर रिजल्ट्स बिफोर द मैसेज, फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। अगर आपके पास रिजल्ट ही आपने किया ही नहीं हो तो फिर लोग आप, तो वल्नरेबल के दो दो किस्म के आप उसके एंगल से माने ले सकते। जी मैमुना, डॉक्टर साहब वल्नरेबिलिटी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे पब्लिक स्पीकिंग की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी वल्नरेबिलिटी शो करते हैं अपनी ऑडियंस को तो वो आपसे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। वही मैंने बताया, वल्नरेबिलिटी को इस सेंस में भी तो लिया जा सकता है कि आप अपना एक इस तरह का जिंदगी का हिस्सा जो है वो ऑडियंस के सामने रखते हैं जो कि बहुत ही आपके लिए वो आपके दिल के करीब है, और लेकिन कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है कि ऑडियंस आपको समझ सके कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को लीड कर रहे हैं। जी जी, मैं वही बता रहा था ना, दो तरफा है। एक तरफ ये है कि जैसे अभी मैं सीईओ की एग्जांपल दे रहा था कि आप रोज उन्हें देखते हैं, अपने एम्प्लॉइज को हेलो करते हैं, हाई करते हैं, तो वो आपसे कनेक्ट होना शुरू होते हैं। फिर जब आप उनसे उनके सामने बोल रहे होते हैं, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो लोग तवज्जो दे रहे होते हैं। एक वो सीईओ है जिसकी शक्ल ही लोग नहीं जानते, और वो अगर आके साल में एक दिन खड़ा भी हो जाता है तो वो जो बड़े चमचे होते हैं आगे जो बैठे होते हैं मेन ऑफिसर्स, वो तो जानते हैं क्योंकि वो उससे मिलते हैं। बाकी सब जो है अपनी खुशगपियों में होते हैं, या खासतौर पर यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर में वो बार इंजॉय कर रहे होते हैं, बॉस इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। ये ख्याल है, ऐसी मीटिंग्स जो होती है ना क्रिसमस पार्टियां, जैसे रिजवान भाई जानते हैं हमारे यहाँ अमेरिका में यूरोप में आम है जैसे, तो वो उसमें क्या होता है कि बॉस आ रहा होता है तो वो लोग बार में बैठे होते हैं, उसको उनको परवाही कोई नहीं है, बॉस को जानते ही नहीं है, ना कभी देखा है, ना आना ना जाना। लेकिन वो जो बड़े चमचे होते हैं ना, जो बड़े बड़े अफसरान, वो आगे पीछे हो रहे होते हैं उसके। तो यहाँ पर मतलब बॉस की अहमियत तब होती है जब आपसे वो मिलता रहा हो। लेकिन वही इसी तरह मेजर कंपनियां हैं, जैसे यहाँ की इंतहाई बड़ी कंपनी है जिसके बारे में मतलब मैं ये कह सकता हूँ कास्टको के नाम से, ठीक है, कास्टको एक बहुत बड़ी चेन है, ठीक है, यानी होलसेल की अमेरिका में बहुत बड़ी चेन है। अब उसके सीईओ का कमाल क्या है कि वो 365 दिन काम करता है बकौल उसके, और वो करता है क्योंकि वो घूमता रहता है, यानी उसके इतने स्टोर हैं पूरे अमेरिका में, तो वो कभी भी यानी एक जगह नहीं होता, बल्कि वो एक जैसे स्टेट में आ गया, यहाँ पे एक हफ्ता रहेगा और सारे स्टोरों पे जाएगा, और अचानक जाएगा, किसी को नहीं बताएगा कि मैं आ रहा हूँ, ना उनके मैनेजर्स को ना जनरल मैनेजर को, और जाते ही वो कैश रजिस्टर वाले को कहेगा चलो मैं कैश कर रहा हूँ, खड़ा हो जाता है काम करने, वो बाकायदा वो एप्रन पहन के, और बाद में पता चलता है ये यानी कास्टको का सीईओ है जिसकी सिर्फ तनख्वाह जो है $18.5 million है सालाना, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि वो ये बताना चाहता है कि देखें इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। फिर वो उनसे मिल रहा होता है और सुनाओ क्या हाल है, ये है वो है, अब वो सारे आ जाते हैं, सर वो है आपने नहीं, नहीं, नहीं बोला, दिस इज पार्ट ऑफ ऑल्सो दैट्स हाउ आई लर्न।
तो वो इस तरह उन लोगों, अब आप जब वो साल में एक बार अनाउंस करता है कि जी मैं कम्युनिकेट करूंगा पूरी कंपनी से, पूरे अमेरिका के लोग जो खड़े बैठे होते हैं अपने अपने कॉन्फ्रेंस रूम में और वो साइमलकास्ट के जरिए उनसे बात कर रहा होता है, आप सोचें क्या इंटरेस्ट होता है उनका। यानी वो शख्स फिर यानी इस तरह कनेक्ट कर रहा होता है कि लोग उसको एग्जाम्पल बनाते हैं, वो अपना आइडियल है उनका, वो उनका मॉडल है। लेकिन उसी की जगह हमारे यहाँ के रईसों को देख लें, एक आम जमींदार हो, वडेरा हो, जागीरदार हो, आप देखें उसका हारी बेचारा उससे हाथ नहीं मिला सकता, ठीक है। तो वो वाली बात है, ये फर्क है। तो वो वल्नरेबिलिटी वो है कि आप उनसे उनसे कहीं रसाई तो हो ना उनकी, लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ तो मतलब उसको कम्युनिकेशन को चूंकि इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ बहुत दी जाती है इन चीज़ों को, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और कोई सवाल है तो बताइए। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जिस तरह हम बात करते हैं 500 फॉर्च्यून कंपनीज और टॉप माइंड्स होते हैं लीडरशिप में, तो उसमें कम्युनिकेशन की जो ट्रेनिंग्स है या जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह किया जाता है? फिर ये सारी बुक्स है तो इसमें ये सारे प्रोसेस होते हैं जो हमें सीखे हैं सारी चीज़ें, जो और भी इसके और मजीद इसके लेवल्स है, मतलब आप कंपनीज की बात करें, सिर्फ कॉर्पोरेट स्पीकिंग की बात कर रहे हैं या ओवरऑल पब्लिक स्पीकिंग? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिस तरह हम बात करते हैं सीईओ या एग्जीक्यूटिव या उन चीजों के लिए, हाँ देखिए उसमें टेक्निक्स हैं थोड़ी सी, जाहिर है पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा है, मैंने कहा ना इट इटसेल्फ इज अ साइंस, जहां पर ये आर्ट है वहां पे साइंस भी है। आर्ट में आप एज एन एक्टर प्ले भी कर रहे होते हैं जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं, लेकिन साइंस ये है कि आप उनकी साइकोलॉजी को भी हैंडल कर रहे होते हैं साथ साथ, तो आप दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हैं। अब मसलन मुझे एक बुरी खबर सुनानी है आज कॉर्पोरेशन में कि मुझे 3000 आदमी आज निकालने हैं इस कंपनी से, अब ये कोई आसान खबर है कि 3000 लोगों के जाब जाने वाले हैं अभी, ठीक है ना? तो अब मैं यहाँ आके नारे वारे तो नहीं मारूंगा एंथुजियास्ट होके और बहुत खुशी की इजहार भी नहीं कर, लेकिन मुझे अगर मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूँ तो मुझे उसकी ओपनिंग पता होनी चाहिए अपनी स्पीच की, फिर उसको बॉडी को मैंने किस तरह तरतीब देना है, और उसके बाद इतनी बुरी और जिसे कहते हैं ना चौंका देने वाली खबर भी सुनानी है, और उसके बाद उसको प्यार से क्लोज भी करना है कि ताकि कोई शोर शराबा भी ना हो। तो ये पब्लिक स्पीकर जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं ना, ये उनको सीखना पड़ता है। अगर आप किसी इतनी बड़ी कॉरपोरेशन में हैं एज ए सीईओ, या आप ह्यूमन रिसोर्सेज के हैं या जो भी डिपार्टमेंट पब्लिक डीलिंग का है उनका, तो उसमें इसीलिए उनको खास तौर पर ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे देखें 90% लोग कॉर्पोरेट लाइफ में उनको प्रेजेंटेशन नहीं आती है, 10% लोग ही हैं जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, 90% लोग इसीलिए तो उनको ट्रेनर चाहिए हम और आप जैसे कि यार आके सिखा दो यार इनको, तो ताकि ये अपने एम्प्लॉइज से बात कर सकें, इसीलिए वो हायर करते हैं सभी कम्युनिकेटर प्रैक्टिस करने। तो मेरा मतलब ये है कि डिपेंड कर रहा होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ओवरऑल अच्छी खबरें सुनाना तो बहुत आसान होता है ना, अच्छी खबर तो कोई भी सुना सकता है कि जी 20% हमने बोनस देना है, सब नाचना शुरू हो जाएंगे, ठीक है आप भी शुरू हो जाए, हाँ बस हमने ये कर लिया, तीर मार लिया। लेकिन अब आप COVID-19 के बाद जरा इनसे पूछिएगा कि जाके अनाउंस करें जरा, आप सबके हाल बुरे हैं, आपको पता है ये अभी 31 दिसंबर आ रहा है ना, सबके साल क्लोज होंगे, फिर आप देखिएगा ये बेचारों के पसीने छूटे हुए होंगे कि यार हम लोगों को क्या बताएं, इस साल मुनाफा तो मुनाफा, इस साल तो हम लॉस में जा रहे हैं और अब हम तो आपकी तनख्वाह भी नहीं पूरी कर सकते। तो फिर वो खबरें सुनाना जो होती है ना, उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत काम आती है। तो यस, उसके बहुत सारे, फिर इसी तरह जैसे आप कॉरपोरेट से हटकर भी बहुत सारी स्पीचेस हैं, जैसे आप एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप फंड रेजिंग में जा रहे हैं, ठीक है, अपने आपने लोगों की जेब से पैसे निकालने, जाहिर है तभी तो फंड आएगा ना, तब उस फंड रेजिंग का अंदाज कुछ और होगा आपका स्पीच करने का, जाहिर है वो स्पीच तो नहीं करेंगे जो हम आम जिंदगी में कहीं ऐसे कर रहे हैं किसी ट्रेनिंग में, किसी सेमिनार में, या एज ए कीनोट मोटिवेशन के लिए, फंड रेजिंग में कुछ और अंदाज होगा। तो हर जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो बिल्कुल कॉरपोरेट लाइफ में थोड़ा सा उसमें सीखना पड़ता है और सिखाना पड़ता है उनको। जी और कोई डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि अच्छी न्यूज जो है वो देना बहुत आसान होता है, और बैड न्यूज देने के लिए आपको उसके ओपनिंग और कंटेंट और क्लोजिंग रिमार्क्स सब बड़ा पता होना जरूरी है। इसमें थोड़ी सी रहनुमाई इस तरीके से फरमा सकते हैं कि कोई, यानी कि बैड न्यूज देना एक आर्ट है कि लोगों को
इसमें हर्ट होते हैं लोग, तो आप इसमें कोई ऐसी एग्जांपल दे के थोड़ा हमें यानी कि समझा सकते हैं कि इस तरह बैड न्यूज जो है वो दी जाती है। नहीं नहीं, बैड न्यूज जाहिर है, मैंने कहा ना एक पूरी साइंस है ये, और ये अभी आने वाले दिनों में जो हम करने शुरू करने जा रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग की जो क्लासेस, उसमें डेफिनेटली उसका पूरा एक चैप्टर समझ लें है जिसको हमने सिखाना होता है कि आपने बुरी खबर कैसे देनी है और कैसे शुरू करना है। देखें, आपने एक अच्छे नोट से शुरू करना है, अप्रिसिएशन से काम शुरू होता है, फिर उसके बाद उसको स्लाइटली डिफरेंट मोड में ले जाते हैं आप बॉडी ऑफ द स्पीच को, उसके बाद आप उनको ग्रीवियंसेस बताते हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं, ना कि वो गुजर रहे हैं अभी पहले, उसके बाद स्लोली उनकी सिंपैथी को लेते हुए आगे चलते हुए, फिर बहुत ही धीमे आप अंदाज से वो बुरी खबर बनाते सुनाते हैं उनको, उसके बाद फिर उसके बाद भी उनका मोराल अप करने के लिए फिर उनको होप देते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, याद रखिए, एक तो ये होती है कि होपलेस एंड करा दें उनकी लाइफ का जो लोग सुन रहे हैं आपको, या फिर एंडलेस होप दे दें उनको, ठीक है, यही होती है ना दो चीज़ें तब एक अच्छे मुकर्रर की। या तो मैं कहूँ कि बस अब दुनिया ख़त्म हो गई, कोविड के बाद क्या रह गया यार, ना खाने को रोटी है, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे साथ तो ये हो रहा है, बीवी भी मार रही है, बच्चे भी भाग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दुनिया इधर से उधर हो गई है, आई मीन आई एम एट होपलेस एंड, इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी, और उस बुरी खबर में से भी मैं एक एंडलेस होप दे दूँ कि लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम सब इससे गुजर जाएंगे, आप लोग भी गुजर जाएंगे, जो लूज़ कर रहे हैं हो सकता है इससे अच्छी जॉब उनके लिए आगे रखी हुई है, ये है वो है, तो वो एक पूरा मैंने कहा ना एक साइंस है, उस पर बहुत तफसील से इंशाल्लाह बात करेंगे मुस्तकबिल में, बल्कि मैं इस पर एक घंटा बोल सकता हूँ, इसलिए मैं अभी इस मौजू पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, ये मेरा क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट, और रिजवान भाई जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हमने जब भी कॉरपोरेशन में इन्हीं चीज़ों के लिए बुलाते हैं वो, कि यार ये सिखा दो कि हम बुरी खबरें और ये सब कैसे सुनाया करें, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन है तो इन्हीं पे डिपेंड कर रही होती है ना इस किस्म की बातों पे, तो उसी के हम सबसे ज्यादा पैसे भी लेते हैं, बाकी तो सिखाना आसान है ना, बाकी चीजें नारे मारना, मोटिवेशनल स्पीकर तो हर 13 साल का बच्चा है, उसको भी बना सकते हैं हम, चीखी तो मारनी है इकबाल के 15 शेर, कायद आजम के 4 कॉल, और ठीक है बस, और क्या है, उसने उछलना है कूदना है माइक फेंकना है मोटिवेशन, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में चूंकि ये सारी चीजें होती हैं जो सीखने की होती हैं और आपको भी सीखनी चाहिए, जिंदगी में बहुत काम आती हैं, आप अपने जहाँ भी होंगे ना अल्लाह ताला आप सबको बड़े आला मकाम देगा, तो आपको ये जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, कैसे लोगों को बुरी खबर सुनाओ, कैसे उनका हौसला बढ़ाऊँ, कैसे उनकी हिम्मत ना टूटने दूँ, साथ साथ मजबूरी है मेरी कि यार इसके अलावा मेरे पास कुछ चारा भी नहीं है, जब उन्हें जाने भी देना है मुझे, समझ रहे मेरी बात को, तो मैं इंशाल्लाह इस पर तफसील से करूँगा, लेकिन ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। और कोई सफिया, आपका कोई सवाल है? डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी सर, मैं डॉक्टर साहब मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ कम्युनिकेशन के हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि मैं छोटे बच्चों की टीचर हूँ, 6 साल से कम उम्र बच्चों की, तो उसमें आई कांटेक्ट के मामले में मैं कंफ्यूज होती हूँ कि उन बच्चों से जब आई कांटेक्ट करते हैं तो वो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं, अगर हमने ज्यादा उनसे कोशिश की आई कांटेक्ट की। तो आपको किसने कहा कि बच्चों से आंखें लड़ाएं? सर नहीं, उनसे कनेक्ट तो करना है ना। लेकिन कभी कभी बच्चे जो है ना वो बड़े, देखें उन दो किस्म के बच्चे होते हैं ना, एक शाय होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, अभी बेचारों ने कुछ भी तो नहीं देखा है, तो वो खुलते 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 हैं ना बच्चे, तो अब कुछ बच्चे होते हैं शायद उसकी वजह उनका फैमिली इन्वायरमेंट होता है, ये आप नहीं होती हैं, जिस घर में वो रह रहे होते हैं सारा वक्त वहाँ उनको मतलब इस तरह से रखा हुआ होता है, वो जो क्या कहते हैं चुन्नू पापा बना के वो बेचारे घबराए घबराए रहते हैं, तो वो टीचर से भी डरे रहते हैं, आँख मिलाते ही नहीं, किसी से ही नहीं मिलाते, वो अपने माँ बाप से ही नहीं मिलाते, लेकिन वो उम्र के आखिरी हिस्सों में फिर खलीक भाई जैसे भी हो, हम जैसे भी हो जाते हैं बाद में, जब बड़े होते हैं तो सब आँखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं सबको, तो वो वाली बात है कि ये एक एनवायरनमेंट का मसला है, ये आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी नहीं है उस एज ग्रुप से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि आप उनसे कोई बड़ी फसी हो बलीग कम्युनिकेशन तो नहीं करेंगी ना इतने से बच्चे से, तो बड़ी सादा सी और आम सी जबान में होगी और आम सा एक्ट होगा जो आप करेंगे उनके साथ, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फसाहत बलागत और ये सब चीज़ें नहीं है। हाँ, कोशिश करें कि उनका वो जो झिझक है और वो उनकी जो वो शर्मीलापन है उसको खत्म करें एज ए टीचर, एज ए
और वो आप ही लोग करती हैं, और कौन करता है? सबसे पहले तो टीचरों से ही उनकी आंखें खुलती हैं, बाकी तो बाद में आती है ना दुनिया, तो वो सीखते वही है ना, बोलना चलना खाना पीना। आप 6 साल की जो कम उम्र बच्चों में तो फिर यही होगा। वैसे खलीक भाई से पूछ सकते हैं इसका जवाब, खलीक भाई भी एजुकेशनलिस्ट हैं, देखें वो क्या कहते हैं। क्यों खलीक भाई, आप क्या कहेंगे? माइक। हाँ सर, बात दरअसल ये है कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि बाद बच्चे शाही होते हैं और तो वो उनके घर का एनवायरनमेंट होता है, तो घर में जिस तरीके से उनको रखा जाता है फिर वो लाजमी सी बात है एक नई दुनिया देखते हैं स्कूल की, तो वो एडजस्ट करने में कुछ टाइम लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही वो एडजस्ट किया जाता है और वो बाद बच्चे बहुत तेजी से एडजस्ट कर जाते हैं। ये तमाम के तमाम बच्चे ऐसे नहीं होते, तो ये इसमें एनवायरनमेंट का फर्क बहुत ज्यादा होता है, जैसा घर का माहौल होता है उससे बच्चा अगर उसको बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ कि बात बात पे डांटा जाता है या बात बात पे ऐसी बात की जाती है कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं ऐसा करो, तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ही खुलते हैं, वो शाही किस्म के होते हैं। और वो बच्चे जिनको घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि कोई मसला नहीं है, मैं बात कर रहे हैं तो बात करने दिया जाता है बच्चों को, तो वहाँ वो बच्चे दूसरे टाइप के होते हैं, वो उसको फौरन जो एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं फौरन। थैंक यू, थैंक यू। और कोई अगर सवाल है, वरना हम बस रैप अप कर रहे हैं क्योंकि 2 घंटे पूरे हो गए, मेरा ख्याल है कि अब हम इजाजत चाहें। ज़ैनब, मेरा ख्याल है उनका कनेक्शन लूज हो गया है तो शायद नहीं है, तो चलो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम रहता है। अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सेशन आपको अच्छे लगे होंगे, और उसके अलावा भी अगर कोई सवाल हो तो आप बराह रास्त हम तक पहुँचें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जवाब देने की। और वरना बैठक का जो सिलसिला है हमारा उसमें आप आ सकते हैं, उसमें सवाल कीजिए जो भी आपको करना है, ठीक है ना। तो और कोशिश मैं करूँगा कि ये सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह पीर तक अवेलेबल हो जाएँ आपके ऑनलाइन, अगर जिन्हें देखनी है वो दोबारा देख सकें, ठीक है ना। ठीक है जनाब, तो फिर आप सबसे हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सब की रहमत करे और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह पाक, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा सेशन सर ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सर, शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत कुछ सिखाया। ज़ैनब आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत कुछ सिखाया। सर का आपका भी शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा सफर रहा सर, ये एवरीवन कम्युनिकेट कनेक्ट का। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।